हेलो बच्चा पार्टी, हम लोग आ चुके हैं सेकंड सेशन में, राइट? सर, मेरे हिसाब से जो क्लास आपको ये मिली है, जो क्लास आप देख रहे हैं, इस क्लास का नाम क्या है? 1B इंट्रोडक्शन पार्ट बी है ना। क्या ध्यान रखना है आपको? कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आज कॉमन बातें ही हो अबाउट माई बुक्स, अबाउट CMA इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज, जैसे हमें पढ़ाई करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है, चैप्टर्स, कुछ कॉमन बातें ही हो। पिछली क्लास में भी कुछ कॉमन बात हुई थी, लेकिन वैल्यू एडिशन यानी आपको फायदा मिला था। और मैं स्टार्टिंग की एक दो क्लासेस में ऐसे ही डिस्कस करता हूं। चिल रहना है आपको, आपको थोड़ा फैमिलियर होना है अपने कोर्स से, इंस्टीट्यूट के पोर्टल, इंस्टीट्यूट की बुक्स, मेरी बुक्स, ठीक है? और उसके बाद फिर हो सकता है आज हम टेक्निकल पढ़ाई चालू कर लें और या फिर अगली क्लास से चालू कर लें, लेकिन इस क्लास को स्किप नहीं करना है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देखना है। और जो बच्चे YouTube पे इस क्लास को देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाओ तो पिछली क्लास का लिंक भी दिया हुआ है, टीम के कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दे रखे हैं। आप एडमिशन लेना चाहते हैं, टीम से बात करना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे लिंक्स वहां दिए हुए हैं। पिछली क्लास पार्ट ए का लिंक भी दिया हुआ है। चलिए, जो बच्चे सॉफ्टवेयर के थ्रू इस क्लास को देख रहे हैं, राइट, अब आगे ध्यान रखिए। यूट्यूब पे जो बच्चे आज डेमो देख रहे हैं, देखिए, और सभी से तो यही रिक्वेस्ट है, अगर आप डेमो देख रहे हैं तो कम से कम 5-6 क्लासेस को देखिए। सर, पिछली क्लास में कुछ बातें हुई थी बुक्स को लेके, सिलेबस को लेके, इंटर और फाइनल में जो हमारा टेक्स्ट कहूं कहां कहां पढ़ते हैं, किस किस नाम से पढ़ते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट या इनडायरेक्ट टेक्स्ट, वो सब बातें हमारी पिछले सेशन में हुई थी। बोथ ग्रुप के एग्जाम्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन और उसके एडवांटेज क्या है, वो सब थोड़ी थोड़ी बात हुई थी, मार्क्स वगैरह की। टैक्स सिस्टम इन इंडिया और हमारा सिलेबस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, इसकी भी बात हुई थी। मैंने काफी अच्छी चीजें यहां पर बताई थी आपको। शॉर्ट टर्म गोल नहीं है आपका, आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है, और उसमें डायरेक्ट टैक्स का कनेक्शन इंटर में भी है, ट्रेनिंग में भी है, फाइनल में भी है, पोस्ट CMA, CMA बनने के बाद भी है। तो आप इस पेपर को एक्स्ट्रा बोल के नहीं मान सकते, वन ऑफ द मेन पेपर आपको लेके चलना पड़ेगा, चाहे इंटर में हो या आगे फाइनल में हो। फिर मैंने बताया था कि आगे जैसे जैसे हम पढ़ाई करेंगे, वैसे वैसे ये सब चीजों को एनालाइज करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट है, फाइनेंस एक्ट है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब टर्म आपके लिए नए हैं। तो जैसे जैसे हम क्लास में आगे जाएंगे, इन सब टर्म को हम लोग एनालाइज करेंगे। अच्छा, जो आपका सिलेबस है डायरेक्ट टैक्स, ये पूरा का पूरा सिलेबस एक एक्ट पे डिपेंडेंट करता है, डिपेंड करता है, और वो कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके अलावा फिर हम लोग असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंस एक्ट की बात करते हैं, वो धीरे धीरे आपके सामने क्लास में आएंगी, डोंट वरी। फिलहाल सर, आपको मैंने बोला था कि एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है। आई होप कि आज आप सेपरेट टैक्स की रजिस्टर लेके बैठे हैं, ठीक। फ्रेश क्लास को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। जैसे आज मेरी सेकंड क्लास है और ये फ्रेश क्लास है, अब हम कुछ लिखने जा रहे हैं, तो जो आपने पीछे पिछली क्लास में जितना लिखा, वो जिस पेज पे पहुंचा वो पेज को छोड़ दीजिए, और नई क्लास नए पेज पे होनी चाहिए, ठीक। अगला पेज जो फ्रेश पेज है, उसके टॉप में आपको क्लास का नाम लिख देना है, और जो क्लास का नाम हम आपको दे रहे हैं उस क्लास के नाम को चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो हमने जो क्लासेस आपको दी हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू देखने के लिए मोबाइल या लैपटॉप पे, अगर उसको आप रीनेम करेंगे तो वो क्लास नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। तो हमने क्लास रिकॉर्ड की, उसमें हमने हमने क्लास रिकॉर्ड की, उसको एडिट की, उसमें हमने प्रोसेस करके एक पासवर्ड ऐड किया, और फिर हमने वो क्लास आपको दे दी सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाने के लिए। अब आप उसको मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे हैं तो उसका नाम चेंज नहीं करना, और जो क्लास में डिस्कशन चल रहा है, जो सीक्वेंस चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली वो नाम दिया हुआ है, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन अब चूंकि आपने क्लास देखनी स्टार्ट कर दी है, तो आप टॉप पे, जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है मेरे पास, ये रजिस्टर देख रहे हैं, इस रजिस्टर में टॉप में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, रजिस्टर में यहां टॉप पे आपको इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। टॉप पे आपको इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। सर, क्या इन्फॉर्मेशन?
आपको डेट लिखना चाहिए, कौन सी डेट को ये क्लास देख रहे हैं, कौन से दिन को ये क्लास देख रहे हैं। टाइमिंग भी जरूर नोट करो, टाइमिंग भी जरूर नोट करो, कितने बजे से ये क्लास देख रहे हैं। कोशिश क्या करना है, एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। सपोज करो आज मंडे है और आप 11 बजे मेरी क्लास को देख रहे हैं, से आज मंडे है और आप 11 बजे मेरी क्लास देख रहे हैं, तो कोशिश करो कि MWF में या डेली, अगर क्लासेस काफी सारी पेंडिंग है तो डेली, क्लासेस धीरे धीरे आ रही है तो MWF सेम टाइम पर क्लास को देखो। एक रूटीन बना लो फेस टू फेस क्लास वाली और लाइव क्लास वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फेस टू फेस क्लास में होते तो एक फिक्स रूटीन होता है, अगर आप किसी टीचर की लाइव क्लास में होते तो एक फिक्स रूटीन होता है कि सर डेली सुबह में आएंगे मॉर्निंग में 7 o'clock, या डेली इवनिंग में आएंगे 7 o'clock, या फिर ऑल्टरनेट डे में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि लाइव क्लास में कोई भी दिन और कोई भी टाइम पे क्लास चालू हो जाती है, एक टाइम टेबल होता है। और शायद आज तक आपने वैसा ही एक टाइम टेबल और रूटीन फॉलो करके पढ़ाई की है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जो मेरी क्लासेस, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रही है, किसी भी टाइम में स्टार्ट कर लिया ऐसे नहीं करना है। हाँ, हम किसी भी टाइम में इसको अपलोड करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपका हमारी टीम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप में आप एडेड है, वहां हम बताएंगे। मान लो हमने अभी बताया और फिर आप 1 घंटे में क्लास देख रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपको एक रूटीन बना लो, MWFS मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, या फिर ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे संडे, ऐसे सप्ताह में 4 दिन की रूटीन बना लो। अराउंड 15-20 दिसंबर तक क्लासेस थोड़ी धीरे धीरे करके मिलेगी, ऑल्टरनेट डे पे मिलेगी, उसके बाद एक स्पीड होगी कि हमारी क्लासेस डेली एक एक मैं आपको दिया करूंगा, इन्फॉर्म किया करूंगा। मेरा मानना है कि जो मतलब 15-20 दिसंबर के बाद से आप डायरेक्ट टैक्स की एक डेली रूटीन बना लेना। फिलहाल अभी ऑल्टरनेट डे में रहो, जैसे जैसे क्लास मिलती है उसके अकॉर्डिंगली, जो आपका डेट और डे आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्लास देखो। मान लो आपने फिक्स कर लिया है कि आप ऑल्टरनेट डे में 11 बजे दिन में क्लास देखोगे, अब हमने शाम में 5 बजे क्लास अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो वेट फॉर नेक्स्ट डे, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर 11 o'clock, तब आप हमारी क्लास स्टार्ट करो, जल्दबाजी मत करो। हर टीचर की, आप ग्रुप 1 में डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर 7 मेरे से पढ़ रहे हैं, बाकी और भी तो सब्जेक्ट है, सबकी रूटीन बना लो, बात मानो, इससे फायदा होगा आपको। जितने भी टीचरों की आपने पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस ऑनलाइन अपने घर पे मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे हैं, सबकी एक रूटीन बना लो। मेरी क्लास की अगले 1 महीने की रूटीन ऑल्टरनेट डे की बनाओ, अगर आपने शुरू में ही क्लास परचेज कर रखी है जब रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं सर, हमने तो लेट से क्लास ली है, आपकी रिकॉर्डिंग तो पूरी क्लास हो चुकी है या आधी हो चुकी है या 20 हो चुकी है। से आपने क्लास में एडमिशन लिया और हमारी टीम ने आपको 30-40 क्लासेस एक साथ दे दी हैं देखने के लिए, तो आप डेली रूटीन लो, डेली एक क्लास टाइम पे देखोगे। तो एक रूटीन बना के आपको चलना पड़ेगा, एक सेपरेट रजिस्टर आपने मेंटेन कर ही लिया है, ठीक। आपने आज की क्लास फ्रेश पेज पे स्टार्ट करनी है, क्लास का नाम लिखना है, कौन सी तारीख, कौन सा दिन और कौन से टाइम, इससे आपको एक डिसिप्लिन रहेगा और फ्यूचर में रिविजन में भी हेल्प करेगा। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आगे की क्लासेज में बताऊंगा कि रिवीजन पे ये चीजें कैसे हेल्प करेंगी। अच्छा, पेज नंबर, जैसे आप स्कूल में अपनी पढ़ाई के दौरान रजिस्टर पे पेज नंबर मेंटेन कर रहे थे, वैसे पेज नंबर मेंटेन करेंगे, तो कॉपी पे भी पेज नंबर चल रहा है आपका और बुक में भी पेज नंबर है। आगे मैं मैपिंग कराऊंगा, मैं कुछ लिखाऊंगा तो आपको बुक का पेज नंबर, कॉपी का पेज नंबर, ये सब वहां पे लिखवाऊंगा, बुक में कॉपी का पेज नंबर और कॉपी पे बुक का पेज नंबर, ताकि आप रिवीजन कर सकें अच्छे से, और ये बहुत फायदा देगा। मैं अपना कोई भी क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा क्लास में, तो वहां कॉपी का पेज नंबर लिखवाऊंगा, कॉपी पे बुक का पेज नंबर लिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके फ्यूचर में। देखो, पढ़ाई सारे बच्चे करते हैं, सक्सेसफुल वही होगा जिसके पास एक एग्जाम का प्लान होगा, एक रिवीजन का प्लान होगा। मेरे से हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा थोड़ी ना अच्छे मार्क्स से पास करेगा, हर टीचर से, हर बच्चा हर टीचर से अच्छे से ही पढ़ रहा है, हर टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिसकी एक प्लानिंग बेटर होगी वो अच्छा स्कोर लाके पास करेगा, वो बोथ ग्रुप भी क्रैक कर सकता है, वो रैंक भी ला सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें किसी भी टीचर से आप क्लास ले रहे हो फॉलो करो। आप एक रूटीन बनाओ, एक टाइमिंग बनाओ, उसके हिसाब से जितने भी लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं उसका एक डिसिप्लिन्ड वे में
10 दिन का, 15 दिन का, एक महीने का शेड्यूल बनाओ, सबके अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करो, सबके पेज नंबर मेंटेन करो। अब सपोज करो आज की क्लास 2 घंटे की है, मुझे पता नहीं है, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अब ये रिकॉर्डिंग कितनी देर चलेगी मुझे मालूम नहीं है, तो सपोज करो आज 2 घंटे की क्लास मैं आपको देने वाला हूं ये वाली। अच्छा क्लास ऑन मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि ये क्लास 2 घंटे की है, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बताएंगे। देखो मैंने आपको क्या कहा, आप 3 जगह मेरे साथ जुड़ जाओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, दूसरा टेलीग्राम पे, तीसरा यूट्यूब पे। अब आपका जो ये कोर्स चल रहा है, ये जो आपकी पढ़ाई चल रही है, उसके लिए एक ही जगह आपको एक्टिव रहना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिस ग्रुप में मैं और मेरी टीम आपको काफी सारी चीजें बताते रहेंगे। कोई नोट्स शेयर करना है, कोई टेस्ट सीरीज शेयर करनी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वहां आपको एक्टिवली उन मैसेज को पढ़ना है, ठीक है। और वहीं आपको बताया जाएगा कि हमने ये क्लास इतने आवर्स की क्लास अपलोड कर दी है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको फोन करके कॉल करके हमारी टीम से नहीं पूछना है अगली क्लास कब आएगी। जैसे ही हम क्लास अपलोड करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि हमने ये वाली क्लास इतने घंटे की आपके लिए अपलोड कर दी है, अब आप उसको देख लीजिए। और देख लीजिए गूगल ड्राइव पे वो क्लास दिखनी शुरू हो जाएगी और देखना है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आपको पता चल गया है कि से आज की क्लास 2 घंटे की है, तो आपके पास कम से कम 2 या 2.5 घंटे तो होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। है 1 ही घंटे, आपके पास आज पढ़ाई का 1 ही घंटा है और आपने 2 घंटे की मेरी वीडियो चला ली है, ऐसा मत करना। फिर आप क्या करोगे मालूम है, उस 2 घंटे की वीडियो को 1 घंटे में फटाफट कंप्लीट करना चाहोगे, इससे आपको क्वालिटी में नुकसान हो जाएगा, जो चीज समझनी चाहिए थी वो समझ आपको नहीं आएगी, आपको लगेगा सर खराब पढ़ा रहे हैं। मेरी 2 घंटे की वीडियो, आपके पास टाइम नहीं है, आपने ओपन कर ली और आपके पास टाइम 1 ही घंटे का, और आप क्या सोच रहे हैं 1 घंटे के बाद कहीं जाना है, चलो सर की क्लास फटाफट खत्म कर लेते हैं, सर ऐसी कॉमन सी चीज तो बता रहे हैं, है ना। आप अभी उस लायक नहीं हुए हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मैं जो बता रहा हूं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्या नहीं है। आपको एक नॉर्मल पढ़ाई करनी है बिना स्पीड को छेड़छाड़ किए। अगली 20 क्लास तक तो कुछ मत ऐसा करना, आगे की 20-25 क्लास तक कभी भी स्पीड को बढ़ा के देखने की कोशिश मत करना कि चलो सर यहां तो फालतू बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं, बोरिंग सी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ा देता हूं, ये काम मत करना, क्वालिटी में इफेक्ट पड़ जाएगा। आप अपने जो इधर उधर के टाइम है उसको कम करो, सोशल मीडिया के, दोस्तों के, रेस्ट पीरियड है, उन सबको कम करके पढ़ाई पे फोकस करो। किसी टीचर की 2 घंटे की क्लास को 1 घंटे में खत्म करना इज नॉट अ स्मार्ट स्टडी। अगर आप मेरी फेस टू फेस क्लास में रहते तो कैसे स्पीड बढ़ा लेते, मेरी बढ़ा लेते नहीं, उल्टा आपका ट्रेवल टाइम भी लगता। तो ट्रेवल टाइम लगाने के बाद फिर मेरी 2 घंटा आप यही सब बात सुनते, स्पीड तो नहीं बढ़ाते। तो अभी तो कम से कम आप घर बैठे मेरी क्लास देख रहे, स्पीड तो नहीं बढ़ाओ। अगेन आई एम सेइंग, किसी भी टीचर की इंक्लूडिंग मेरी 2 घंटे की क्लास को आप 1 घंटे में खत्म कर लेते हैं तो इट इज नॉट अ स्मार्ट स्टडी। रैंक की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आपने पैसा दिया है और एक मूवी की तरह क्लास देख रहे हैं। जैसे मूवी को स्पीड बढ़ा बढ़ा के आप यूट्यूब पे देखते हैं या किसी वेब सीरीज को देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी चैनल और पोर्टल पे, वो काम आप इसके साथ ना करें, ये मूवी नहीं है। मैं अपने हर बैच में कहता हूं, ठीक है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखनी है, आपको अपने रजिस्टर में फ्रेश पेज में क्लास का नाम लिखना है, डेट डेट टाइमिंग लिखनी है, सेपरेट रजिस्टर, और हर क्लास को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, पेज नंबर मेंटेन करना है। और अगर क्लास 2 घंटे की है, 2 आवर्स, तो आपके पास कम से कम 2 आवर्स 30 मिनट्स होने चाहिए, क्योंकि बीच में आप ब्रेक भी लेंगे, ठीक है। और पढ़ाई का मन होना चाहिए, घर में टीवी चल रही है, गेस्ट आए हुए हैं, आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहां गए हुए हैं, घर पे फ्रेंड्स आए हुए हैं और उस समय आपने मेरी क्लास चला दी है कि नहीं आज तो सूरज सर की क्लास देखनी है, ऐसा काम नहीं करना। और इतना इजी डायरेक्ट टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कहीं भी मेरी क्लास को चला दे रहे हो, आज 2 घंटे की क्लास देखनी है, दोस्त लोग भी आए हुए हैं, सामने में घर में टीवी भी चल रही है और आप है ना डाइनिंग एरिया में बैठे हुए हैं, आपके घर वाले भी आपके पास बैठे हुए हैं और बिना फोकस की आप क्लास को देख रहे हो, नहीं। एक अपना रूम होगा जिसके अंदर कोई आवाजें नहीं होंगी, बगल में एक साउंड, एक म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक चल रही होगी, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उस रूम में कोई हो हंगामा, बातचीत, टीवी वगैरह तो ना चल रही हो। हेडफोन लगा के
पूरा फोकस के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, अगले 2 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ध्यान रखिएगा, अगर इन डिसिप्लिन के साथ क्लास कीजिएगा तभी आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा, वरना आप सोचेंगे कि सूरज सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, और या फिर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली आप समझना ही नहीं चाहते हैं। तो पूरे फोकस के साथ विदाउट डिस्टर्बेंस आप क्लास लेने की कोशिश कीजिए, और अभी भी आप के सामने टीवी चल रही है, गेस्ट आए हुए हैं, तो क्लास क्या देखना, बंद कीजिए ना। एक बार में एक ही काम कीजिए, क्लास के साथ बाकी चीजों को मत मिलाइए। अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो करिए, आप लैपटॉप में मूवी देख रहे हैं, घर में टीवी चल रही है, दोस्त लोग आए हुए हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी दिखाइए मूवी, लेकिन क्लासेस के साथ मजाक नहीं करना है। डन। लास्ट, आपके पास आपका एक अपना पर्सनल वाटर बॉटल हो, ताकि आप बार बार ना जाएं कहीं बाहर। अगले 2 घंटे तक आप मेरे साथ हैं, एज्यूमिंग कि ये 2 घंटे की क्लास है, हो सकता है 3 घंटे की भी हो जाए, एज्यूमिंग कि ये 2 घंटे की क्लास है, अगले 2 घंटे तक आप इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, बीच में ब्रेक मिलेगा, ब्रेक एंजॉय करना, वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए और कैलकुलेटर। सर देखिए, मैंने भी रखा हुआ है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, नॉट ए स्टूडेंट, लेकिन मैंने भी एक कैलकुलेटर अपने पास रखा हुआ है। तो अब जैसे मैं भी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने अपने आप को अरेंज कर रखा है अपने स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग रूम में पानी की बॉटल है, कैलकुलेटर है, और कोई मुझे, मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कोई मुझे अगले 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो ऐसा ही आपको भी करना है, ठीक है। 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग के पीछे हमारे 2 घंटे की प्लानिंग भी जाती है, आपको भी वही करना है। ऐसा नहीं कि जैसे वैसे कभी भी कहीं भी आपने हमारे टीचरों की क्लास स्टार्ट कर ली। आउटपुट देखो, इनपुट तो चला गया, आपने हमारी 2 घंटे की क्लासेस देख ली, लेकिन आउटपुट आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा, ये तो एक फिर मजाक हो गया। तो पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ और अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ क्लास स्टार्ट करोगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इसमें से कुछ लिखना चाहते हो, आपके पास एक रजिस्टर, आपके पास अगर हमारी Volume 1 पहुंच गई है तो वो बुक, वाटर बॉटल, कैलकुलेटर, ये सब सामान रहने चाहिए आपके पास। 2 घंटे का टाइम 3 घंटे का टाइम होना चाहिए। क्लासेस का नाम वही रखो, रजिस्टर पे भी लिखो, डेट डे टाइमिंग लिखो, और कोशिश करो कि ये रूटीन आप वीकली बेसिस पर फॉलो करो, MWF या TTS एक शेड्यूल फॉलो करो। और ज्यादा ही क्लासेस देखनी पेंडिंग है, हमारी टीम ने आपको 40 क्लासेस दे दी हैं, रिकॉर्डिंग बहुत पहले चालू हो गई थी, आप हमारे पास लेट से आए हैं, 40-50 क्लास हमारी टीम ने दे दी है, तो डेली रूटीन में क्लास को उठाओ, है ना। और अभी तक आप हमारी टीम से जुड़ चुके होंगे, पिछली क्लास में मैंने बोला था कि टीम से मेरा पर्सनल नंबर लेके मुझे टास्क, पिछली क्लास में मुझे याद आ रहा है 2-3 टास्क मैंने दिए थे, वो टास्क आपने कंप्लीट कर दिया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ गए होंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके होंगे, ठीक है, टीम से टच में आ चुके हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, टीम से आपने पर्सनल नंबर लेके आपको मैंने जो टास्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर दिया पिछली क्लास का, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, ठीक। अब इसमें से कुछ भी बातें आपने नहीं की है तो टीम से इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करें, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और ये टीम का नंबर है, ठीक। आपको बुक नहीं मिली है तो आप टीम से बात करें, चैट करें, व्हाट्सएप बेस्ट वे है, उनको व्हाट्सएप करना, टीम को व्हाट्सएप करके 24 आवर्स वेट करना है, बेस्ट तरीका यही है, अननेसेसरी आप परेशान होंगे। टीम को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वेट करना है 24 घंटे तक। से आपको बुक नहीं मिली है, बुक कुरियर हो गई है, उसका उन्होंने प्रूफ भी आपको शेयर नहीं किया है, आपको टेलीग्राम का लिंक मांगना है, आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मांगना है, आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, वो सारी बातों के लिए मुझे इन्वॉल्व नहीं करना है, टीम को इन्वॉल्व करना है, वो आपको हेल्प करती रहेगी। मैसेज करने के बाद 24 घंटा वेट करना है, ना रिप्लाई दे वो लोग तो उन्हीं को रिमाइंडर देना है, फिर तो मैं हूं ही, लेकिन पैनिक में नहीं आना है, ऐसा नहीं सोचना है कि 10 मिनट में आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पैनिक में नहीं आना है। चलो सर ये बात तो हो गई, अब आपको जो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, DT डायरेक्ट टैक्स पेपर 7, ठीक। क्या तो आप बच्चों का एग्जाम जून में है या दिसंबर, बाकी मैंने आपको पिछली क्लास में टास्क दिया था बताने के लिए
कि आप मुझे बताओ कि आपका एग्जाम कब है, जून में या दिसंबर में या 2023 में, आप एक ग्रुप का प्लान कर रहे हो या बोथ ग्रुप का प्लान कर रहे हो, ठीक। और बाकी सब्जेक्ट, जैसे आप मान लो ग्रुप वन में बाकी सब्जेक्ट किस किस टीचर से ले रहे हो, ये भी आप मुझे बता सकते हो। चलो पिछली क्लास में नहीं बोला था तो आज का टास्क ले लो, है ना। देखो और कोई तरीका नहीं है, हम फेस टू फेस क्लास में नहीं है, ना हम लाइव क्लास में है, ना मैं वन टू वन क्लास में हूं, हम रिकॉर्डेड क्लास में है और यही तरीका है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको ये मानना है कि आपको बस मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, खुश रहोगे, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने तो ये एक महीना पहले रिकॉर्ड की होगी, आपको ये सोचना है कि सर ने आज ही रिकॉर्ड की है और आज ही ये आपको क्लास दी और आप आज ही देख रहे हो और ये टास्क आपको अभी मिला है जिस समय आप ये क्लास देख रहे हो। साथ में आप ये भी बताओ मुझे कि भाई आपने ग्रुप वन की मेरी क्लास तो ले ली, अब बाकी के जो तीन सब्जेक्ट हैं उसकी क्लासेस कहाँ कहाँ आपकी चल रही है, कितना कितना कोर्स हो गया है, आपका प्लान क्या है, जून या दिसंबर, एक ग्रुप या बोथ ग्रुप, अभी तक क्लासेस नहीं ली है तो आगे कब कब कौन कौन सी क्लास लेने का सोच रहे हो, क्यों आपने क्लासेस होल्ड कर दी, क्या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्या आप किसी एक पेपर का कोर्स कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीज आप बताओगे तो मैं गाइड कर सकता हूं कि नो नो डोंट वेट, आप अपने से पढ़ाई करना चाहते हो तो इस तरीके से करो, आप किसी और टीचर से क्लास लेना चाहते हो तो इस तरीके से क्लास लो, मैं गाइड कर दूंगा, यहां तक मैं आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए सर, सर डीटी में जो पेपर 7 की प्रिपरेशन करनी है 100 मार्क्स के लिए, अब उसके लिए आते हैं सबसे पहले इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज पे, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज पे। सर इंस्टीट्यूट का एक मेन स्टडी मटेरियल है, मेन स्टडी मटेरियल, ठीक। जिस दिन मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तक इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे, और या आप कहते हैं कि आपके घर में ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आ गया है तो वो देख लीजिएगा कहीं पुराना ना हो। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल है जनवरी 2021 एडिशन तो वो ओल्ड है, नया नहीं है। सर हमें डायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन करनी है, हम इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में क्या क्या देखें, तो सिंस आपका एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में है तो अभी जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन इंस्टीट्यूट की नई मटेरियल नहीं आई है, आगे आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। लेकिन एक रिसोर्स, मेन रिसोर्स है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, दूसरा रिसोर्स है इंस्टीट्यूट का वर्कबुक, ये भी अप्रैल एडिशन अभी तक अवेलेबल है, अप्रैल एडिशन, ये भी ओल्ड है आपके लिए। ये दोनों कौन से असेसमेंट ईयर बेस्ड हैं, असेसमेंट ईयर 2021-22। अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो नहीं सर मेरे पास नई लेटेस्ट वर्कबुक है, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, तो उसके अंदर जाके देखना होगा कि वो एडिशन कौन सा है। मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 2022 के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीसरा है मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर पीडीएफ एंड ऑनलाइन, ये भी अवेलेबल नहीं है, 0/0। अगर आपका एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में है, मैं जब भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं हूं कौन से महीने में, नवंबर 2021, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने में आपका कोर्स पूरा 100% कंप्लीट करने की बात है, 15-20 दिन एक्स्ट्रा यानी मार्च एक्स्ट्रा आपको रखना है। जैसे हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई है, एक सिचुएशन बना है कि हम फेब एंड तक क्लास दे देंगे आपको, सर 10-15 दिन आगे पीछे, मार्च भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जाम तो जून में है और या फिर दिसंबर में है तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, 2-3 महीना पहले कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे फरवरी एंड तक 15-20 दिन आपको एक्स्ट्रा अपने पास रखना होगा कोर्स कंप्लीशन के लिए, यही अभी प्लान है। अभी हम लोग कौन से महीने में, नवंबर 2021 में। अब नवंबर 2021 में एक चीज, 2022 के लिए कोई मटेरियल इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है, दूसरा दिसंबर 21 का एग्जाम नहीं हुआ है जो ऑनलाइन एग्जाम है, जब तक वो एग्जाम नहीं होगा हम अपने पैटर्न के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि हमारा जून एग्जाम 2022 में जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होगा। एक ओवरऑल ऊपर ऊपर आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरीके के हमारे एग्जाम्स होंगे, वो मैं आज बता दूंगा, बट ध्यान रहे अगर आप 2022 जून और दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट की तरफ से
अपडेटेड मटेरियल कुछ भी नहीं है आपके पास आज के दिन, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 7 महीने के बाद आपका एग्जाम है। नवंबर महीने में है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 7 महीने के बाद आपका एग्जाम है। 7 मंथ्स, जस्ट 7 मंथ्स से जून एग्जाम नहीं हुआ, जून 2022। सर जो जून 22 के लिए अवेलेबल होगा वही सेम चीज दिसंबर के लिए अवेलेबल होगी, ध्यान रखिएगा, जो चीज जून के लिए आएगी वही चीज दिसंबर के लिए अप्लाई होगी, सेम कोई चेंज नहीं होगा, सेम मटेरियल, सेम बुक, सेम क्वेश्चन, सेम असेसमेंट ईयर, सेम लेक्चर्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, नो डिफरेंस इन सिलेबस फॉर जून और दिसंबर। जून का जो सिलेबस है वही दिसंबर का सिलेबस है 2022, सेम रहेगा सिलेबस, खाली 6 महीने का डिफरेंस रहता है। लेकिन फैक्ट क्या है, 7 महीने के बाद जून वाले बच्चों का एग्जाम है, ठीक, और इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, न मेन स्टडी मटेरियल, न मेन वर्कबुक, न मॉक टेस्ट पेपर। हालांकि चलो ये मॉक टेस्ट पेपर और ऑनलाइन और पीडीएफ ये तो फॉर रिवीजन पर्पस के लिए है, ये आ जाए जितना जल्दी उतना अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मार्च से पहले नहीं आएगा, ये मार्च 2022 से पहले नहीं आएगा, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ये मार्च 2022 से पहले नहीं आएगा। स्टडी मटेरियल जनवरी 22 से पहले नहीं आएगा, वर्कबुक फरवरी 22 से पहले नहीं आएगा, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है जो इंस्टीट्यूट रिलीज करेगी स्टडी मटेरियल अपनी तरफ से पढ़ाई करने के लिए, बच्चों के पढ़ाई करने के लिए, वो जनवरी 2022, जैन, जून नहीं, जैन, सर जैन 22 से पहले नहीं इशू करेगी। वर्कबुक में थोड़ा और टाइम लगाएगी, फेब जनवरी में भी कर सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता है करेगी, करती आज तक तो नहीं की है। वर्कबुक और स्टडी मटेरियल साथ साथ इंस्टीट्यूट की तरफ से कभी नहीं आए, टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5 महीने का गैप होता ही होता है। फरवरी तो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मार्च भी इंस्टीट्यूट कर दे। और मेन जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न होगा, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, ऑफलाइन के बारे में नहीं सोचना है, अब ऑनलाइन के बारे में ही सोचना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पूरे इंस्टीट्यूट के तुम कमिटी मेंबर को चेंज कर दो, ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होने हैं। आज के दिन की जो अपडेट है, जिस दिन मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन के हिसाब से जो बाहर पॉसिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होना है, ऑफलाइन के लिए भूल जाओ, दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये जो बेस्ट जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ये मार्च से पहले नहीं आएगा, जून में आपका एग्जाम होगा, मार्च से पहले नहीं आएगा। और ये होता भी रिवीजन का पार्ट है, ऐसे भी हमारा सिलेबस खत्म होते होते मार्च आना ही है, तो हमें इस दोनों की जरूरत है नहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से। वर्कबुक का पर्पस भी क्या है, रिवीजन। वर्कबुक देखो क्या सर आप हमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ाओगे, अपना मटेरियल नहीं है, मेरा अपना मटेरियल है, मैं आपको वहां तक ले जा रहा हूं, बट पहले जिस कोर्स को आप कर रहे हो सीएमए इंस्टीट्यूट का, सीएमए का कोर्स है तो सीएमए इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज के बारे में तो बात कर ले। सर जो आप रेगुलर स्टडी करते हो, जो आप रेगुलर स्टडी करते हो वो आप किससे करते हो, स्टडी मटेरियल से, ठीक। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूं, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर डीटी, नॉट ओनली फॉर डीटी, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 8, सबसे पहले जो आप पढ़ाई करते हो रेगुलर स्टडी, वो उसके लिए आप मेन स्टडी मटेरियल रेफर करते हो, ठीक। उसके बाद जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जब आप आते हो रिवीजन में, तो आप फिर कहां जाओगे, आप जाओगे वर्कबुक में, आप जाओगे मॉक टेस्ट पेपर में, और आप जाओगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी ज्यादा पुराना मत जाओ, फ्रॉम जून 17, जून 2017 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं बस उतनी की प्रैक्टिस कर लो, सफिशियंट है। अगर इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेस की बात करें, अभी मैं अपने रिसोर्सेस के बारे में भी आऊंगा, ठीक है, अगर हम इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेस की बात करें तो आप रेगुलर स्टडी के लिए इंस्टीट्यूट का मेन स्टडी मटेरियल, और एक बार जब उससे कोर्स कंप्लीट करते हो तो रिवीजन प्लान, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, ये आपके रिवीजन प्लान का पार्ट है। क्या इंस्टीट्यूट जो वर्कबुक इशू करती है, अभी तक तो कर रही थी, अब अगले साल देखो, ठीक
ठीक है, इंस्टीट्यूट अभी तक तो वर्कबुक लॉन्च कर रही थी, अब अगले साल देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट पेपर देती है और जो इंस्टीट्यूट ने पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं से 2017 में, 2018 में, 2019 में, इतना तो है ही, जून दिसंबर 2017, जून दिसंबर 2018, जून दिसंबर 2019। सर जून 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, दिसंबर 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, ये दोनों एग्जाम मर्ज होके हुए हैं जनवरी 2021 में, और सजेस्टेड आंसर नॉट येट रिलीज्ड, सजेस्टेड आंसर नॉट येट रिलीज्ड। इंस्टीट्यूट ने बोला है हम इस सजेस्टेड आंसर्स को रिलीज नहीं करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स में हम आपको नहीं बताएंगे कि हमने क्या पूछा है। गलत बात है, जनवरी 2021 के एग्जाम में हर बार एग्जाम के बाद इंस्टीट्यूट एग्जाम के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन को रिलीज करती थी सजेस्टेड आंसर बोल के, क्या बोल के, सजेस्टेड आंसर बोल के। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2021 में ऑनलाइन एग्जाम्स लिया और बोला चूंकि एग्जाम ऑनलाइन था हम कोई भी सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं करेंगे। गलत बात है, एक तरह से बच्चों के साथ धोखा है। जब ऑनलाइन एग्जाम्स 100% एमसीक्यू बेस्ड होता है तो उसका सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं होता है। 100% एमसीक्यू था ही नहीं इंस्टीट्यूट का जनवरी 21 का एग्जाम्स, सजेस्टेड आंसर रिलीज करना चाहिए और न ही इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में या वर्कबुक में वो ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पैटर्न दिए हुए हैं, तो बच्चों को या टीचर को आइडिया कैसे लगेगा कि कैसे पढ़ना और कैसे आंसर देना है। तो यहां थोड़ी सी इंस्टीट्यूट नेगेटिव साइड में है, इसीलिए थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का बाहर में नेगेटिव माहौल हो रखा है, बट कोई बात नहीं, जैसा भी है आपका और हमारा इंस्टीट्यूट है, हम ज्यादा बुराई करके इस कोर्स को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। क्या तो तुम इसकी बुराई करना छोड़ दो, और अगर बुराई करोगे तो इस कोर्स को छोड़ दो, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास एज ए स्टूडेंट, तुम इंस्टीट्यूट की बुराई करते रहो तो फिर इस कोर्स को छोड़ दो, और जब इस कोर्स को कर रहे हो तो बुराई मत करो, जितनी भी चीजें अवेलेबल है उसको पॉजिटिव साइड में लेके आगे बढ़ो। जब हम लोग सीए कर रहे थे तब इतनी चीजें कहां अवेलेबल थी, जो था भगवान का प्रसाद मान के बढ़ रहे थे आगे, मंदिर में गए भगवान का प्रसाद मिला, जैसा भी मिला खा लिए, स्वाद स्वाद है। वैसे ही आपको ये मंदिर है, ये भगवान है, ऐसे समझिए ये आपके मंदिर, भगवान, गॉड, जो भी आप इसको कह सकते हैं कहिए, और जो प्रसाद मिल रहा है ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। ध्यान रखना, पढ़ाई करनी है तो बुराई मत करो, और बुराई करनी है तो इस कोर्स को छोड़ दो, मैं तो यही कहूंगा। कोई दूसरा कोर्स कर लो अगर आप इसके बारे में नेगेटिव सोचोगे तो, इसके बारे में, अपने बारे में, सीएमए करने के बारे में, आप सीएमए कोर्स और सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी नेगेटिव डिस्कशन मत करना। ध्यान रखना, हमारे बारे में कर लो, टीचर के बारे में कर लो, कोचिंग के बारे में कर लो, लेकिन सीएमए कोर्स और सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में कभी भी नेगेटिव डिस्कशन सोशल मीडिया पे या दोस्तों के साथ मत करो। अगर आप कर रहे हो तो सही समय है, कोर्स को छोड़ दो, वो कोर्स को फिर कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं अगर आप नेगेटिव हो चुके हो अबाउट सीएमए कोर्स और अबाउट सीएमए इंस्टीट्यूट। दिल पे मत लेना, लेकिन फैक्ट यही है। तो एनीवे, मैं नहीं कह रहा कि आप ज्यादा पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के लिए मेन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस काफी हैं, वर्कबुक काफी है, उसके अलावा इंस्टीट्यूट जो मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च कर रही है अब आज के दिन वो काफी है, क्योंकि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न को इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया है। इंस्टीट्यूट पहले सेंटर बेस्ड एग्जाम ले रही थी ना, ये जो सजेस्टेड आंसर है वो तो सेंटर बेस्ड वाले हैं, सेंटर बेस्ड जो पुराने तरीके से होता था पेन पेपर, और जनवरी किस के एग्जाम्स का सजेस्टेड आंसर तो आया ही नहीं, दिसंबर वाला एग्जाम हुआ ही नहीं है, जो दिसंबर वाला एग्जाम होना है वो तो अब होगा आगे, एक बार जब हो जाएगा तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा, तभी मैं क्वेश्चन के पैटर्न का डिस्कशन भी अच्छे से कर पाऊंगा। बट फैक्ट यही है कि दिसंबर 21 वाला एग्जाम अभी होना है, जनवरी 21 वाला ऑनलाइन एग्जाम्स हो चुका था, हो चुका है, इसके तो रिजल्ट भी आ चुके हैं, शायद उसी में आप उसके आसपास ही आप फाउंडेशन भी पास किए हो। सर जनवरी 21 और दिसंबर 21 में इंस्टीट्यूट ने पैटर्न चेंज कर दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक, तो डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं, डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं, जनवरी 21 और दिसंबर 21 के एग्जाम का पैटर्न चेंज है तो डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं जनवरी 21 वाला।
तो दिसंबर 21 का एक बार एग्जाम हो जाने दो, तो मैं खुद ही अपने सामने आपके सामने मैं उस पैटर्न को ले आऊंगा कि भैया किस पैटर्न के साथ हमें तैयारी करनी है। ये इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज हैं। सर, जिस दिन मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं नवंबर 2021 में, क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी मटेरियल आ गया है, वर्कबुक आ गया है? कुछ भी नहीं आया है। पहले जनवरी आएगा, पहले तो एग्जाम होगा दिसंबर 21 का, उसके बाद जनवरी आएगा, जनवरी 2022 तब इंस्टीट्यूट रिलीज करेगी स्टडी मटेरियल, उसके एक दो महीने के बाद इंस्टीट्यूट रिलीज करेगी वर्कबुक, उसके बाद एग्जाम से एक दो महीना जब बचा रहेगा, मे बी अप्रैल मे बी मई, तब इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगी मॉक टेस्ट पेपर का पेपर्स पीडीएफ और ऑनलाइन पोर्टल। ये आपका सीक्वेंस है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो यानी कुल मिला के आप इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट अभी नहीं हो सकते अपने कोर्स के लिए। आपका एग्जाम दिसंबर 2022 में है तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन अगर आपका एग्जाम जून 22 में है तो आप या मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, है ना, मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो सर हम कैसे पढ़ाएंगे, हमने अपने मटेरियल को कैसे अपडेट किया, हमने 19th एडिशन की नई बुक कैसे ले आए, हमने असेसमेंट ईयर 22-23 की अपनी बुक कैसे बनाई, तो वो ओवर अ पीरियड धीरे धीरे क्लास में आपको पता चलेगा। जो हम अब पढ़ा रहे हैं आपको अपने इस बैच में 19th एडिशन की बुक से, असेसमेंट ईयर 22-23 की बुक से, वो अपडेटेड बुक है, अमेंडेड बुक है। वही अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट अपनी बुक में करेगी और वो बुक आएगी जनवरी में, और हमें जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, उसके बेसिस पर हमने अपनी बुक को अमेंड कर दिया और आपको पढ़ाएंगे उस बुक से। हर टीचर ऐसे ही करते हैं। वी कैनॉट वेट टिल जनवरी 2022 कि एक बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल आ जाने दो फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, इंस्टीट्यूट अगर मटेरियल लॉन्च करने के बाद कुछ बदलाव करती है क्वेश्चंस में, चैप्टर्स में, तो वो आपको क्लासेस में बताए जाएंगे और उसके हिसाब से हम अपने पढ़ाने में नोट्स में बदलाव करेंगे, डोंट वरी। सर, इंस्टीट्यूट के नए मटेरियल आने के बाद उसमें लगता है इंस्टीट्यूट ने कोई चैप्टर हटा दिया है तो हम भी हटा देंगे, कोई चैप्टर ऐड किया तो हम भी ऐड कर देंगे, नए क्वेश्चन डाल दिए तो वो क्लास के अंदर करवा देंगे, मटेरियल आपके सामने खोल के करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। ये रिसोर्सेज हैं कुछ इंस्टीट्यूट के, ठीक, आपके सामने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। ज्यादा पुराने क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका 2016 सिलेबस है, आपका 2016 सिलेबस है, राइट, तो आपको ज्यादा पुराने 2014 के क्वेश्चन, 15 के क्वेश्चन, 16 के क्वेश्चन, उतने पीछे नहीं जाना है। और ये सारे रिवीजन प्लान की स्ट्रेटेजी होती है। आप जो पढ़ाई करेंगे मेरे साथ, स्टडी मैट को जो बीच में रेफर करेंगे, वो अगले 3-4 महीने तक यही करेंगे आप। जब आपके एग्जाम का लास्ट 3 महीना बचेगा, लास्ट 3 महीना की, सर अब 3 महीने के बाद एग्जाम है, तो तब तक मैं आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, होने वाला होगा, फिर आप वर्कबुक, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट की तरफ से आप देखने की कोशिश करेंगे, और फिर हमारी तरफ से भी मिलेगा। हमारी तरफ से क्या मिलेगा उसका डिस्कशन अब आगे करेंगे। इंस्टीट्यूट की तरफ से आगे क्या मिलने वाला है वो थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की। जैसे जैसे ये चीजें अवेलेबल होती जाएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। नोट कीजिए एक बार, अभी मैं इंस्टीट्यूट की वो पुरानी बुक भी आपको दिखा दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहां से हमने आज नई क्लास स्टार्ट की, ठीक, ये मैं कुछ बता रहा था कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए वो लिखो। फ्रेश पेज से फ्रेश क्लास की नोटिंग स्टार्ट करनी है, वाटर बोतल, कैलकुलेटर, रजिस्टर, पेज नंबर, डेट डेट टाइमिंग, और कोई इशू है तो टीम से बात कीजिए, टीम के टच में आइए। टीम जब रिजॉल्व ना करे आपके इशू को 24 घंटे 48 घंटे में, तब मेरे टच में आइए। डन। ऊपर की चीज नोट कर ली है वीडियो रोक के, थोड़ा सा मैं नीचे आ रहा हूं, यहां पे ये आपने नोट कर लिया शुरू का, राइट, अब थोड़ा यहां आ रहा हूं। यहां पर इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज की बात बता रहा था कि आप अपनी पढ़ाई जो करेंगे साथ साथ इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी देखना चाहेंगे, तो मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर, वर्कबुक का भी काम नहीं है, ये सबको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रेफर करना है, एग्जाम के जब 2-3 महीने बचे हुए होंगे तब। अभी आपको हमारी क्लास, हमारे मटेरियल, साथ में जब इंस्टीट्यूट का नया मटेरियल आ जाएगा तब, और उसको भी मैं आपको गाइड करूंगा क्लास में।
अभी इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे, या अगर आपके पास बुक आ रखी है तो उसमें ये अगर मंथ लिखा हुआ है, ये 2021 लिखा हुआ है, तो वो पुरानी किताबें हैं, उसको रेफर नहीं करना है पढ़ते समय। असेसमेंट ईयर 21-22 नहीं पढ़ना है। आपका असेसमेंट ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर है? AY 2022-23। अभी मैं बुक खोल के दिखाऊंगा आपको असेसमेंट ईयर क्या होता है। अभी तक ये डिस्कस नहीं हुआ हमारी क्लास में असेसमेंट ईयर क्या होता है। ये मैं हो सकता है आज की क्लास में और या फिर अगली क्लास में, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, उसका नाम असेसमेंट ईयर क्यों है, प्रीवियस ईयर क्या है, वो सब मैं अगली क्लास में आपको कनेक्ट करके दूंगा या आज की क्लास में। धीरे धीरे जब ये एक बेसिक डिस्कशन हमारा हो जाए तो हम बात करेंगे। फील फ्री एंड वेट। कोई भी मन में सवाल हो बगल में नोट कर लो, सर से ये पूछना है, और अगली 8-10 क्लास में मैं वो रिजोल्व ना करूं तो मेरे से पूछ लेना। कॉमन कॉमन क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड, कैसे पढ़ें, कोई कॉमन सवाल हो तो बगल में नोट कर लो, एक छोटी सी पतली कॉपी रख लो, सर से डाउट क्या क्या पूछना है उसकी, और उसके बगल में नोट करते जाओ डाउट, सर से ये पूछना है, सर से ये पूछना है। उसके बाद अकॉर्डिंगली अगर आपको लगे 8-10 क्लास में सर ने वो सब डिस्कस नहीं किया है क्लास के अंदर, तो मैसेज कर देना, मेरा नंबर तो आप तक पहुंच ही गया है। हाँ, मेरा नंबर जो आपको टीम ने दिया है व्हाट्सएप चैट करने के लिए, वो आप आगे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को नहीं देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अपने घर में भी किसी को नहीं देंगे। सबको टीम का नंबर जो मैंने लिखा 85272, सबके पास वही नंबर होना चाहिए। मेरे साथ आप सिर्फ मेरा टास्क कंप्लीट करेंगे और मेरे डाउट का डिस्कशन करने के लिए वो नंबर यूज करेंगे। गलती से भी अपने दोस्तों को और अपने घर में नहीं देना है, और उस पे नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट करेंगे और उसी से सारे टास्क भी कंप्लीट होंगे, सारे डाउट्स भी उस वैसे ही लिए जाएंगे। जरूरत पड़ी कभी आगे फ्यूचर में तो कॉल पे बात कर लेंगे, मिसयूज नहीं करना है उसका। नोट कीजिए फटाफट, अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे कोई नई चीजें आएंगी अगले 4-5 महीने में आपके एग्जाम तक, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट की ये नई चीज आई है, देख लो। बाकी हम उसको क्लास में भी कवर करेंगे ही। फिलहाल अभी तक इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे नए में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। डन। वीडियो रोक के लिख लिया आपने ये। सर अभी जो आप फ्रेश किसी भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिंस यू आर अ जून और दिसंबर एग्जामिनी, आप सिलेबस के बिगनिंग स्टेज पे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट पेपर का कोई डिस्कशन कहीं भी नहीं करना है, वर्कबुक का कहीं कोई डिस्कशन नहीं करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर्स, अगर क्लास में डिस्कशन हो रहा है टीचर्स के साथ तब तो करिए। टीचर जैसे जैसे डिस्कस कर रहे हैं, से टीचर ने एक चैप्टर कंप्लीट करके 2 साल पहले का एक क्वेश्चन क्लास के अंदर करा रहे हैं, करिए ना। आपको अपने मन से नहीं जाना है, आप अपने मन से अगर जाना चाहते हैं मॉक टेस्ट पेपर में, वर्कबुक में, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, तो एक बार पहले उस टीचर का, मेरा या किसी और सब्जेक्ट के टीचर का पहले कोर्स कंप्लीट कीजिए, तब जाइएगा। वर्कबुक, मॉक टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर, ये सब की जरूरत कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन के दौरान पड़ती है, क्लास के साथ साथ नहीं। और बाकी टीचर क्लास में करा रहे हैं कि ये 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था करो, मान लो मैं आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं और उसमें बताता हूं कि इंस्टीट्यूट का ये 2 साल पुराना क्वेश्चन है, 5 मास का क्वेश्चन है, करो, क्लास में करते हैं, तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है, अपने मन से नहीं जाना है। डन। मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्टेड टाइम दे दिया है कि ये इंस्टीट्यूट की ये सब चीजें कब आएंगी आगे। मॉक टेस्ट पेपर तो समझो कि इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम से 1 महीना पहले रिलीज करती है, मार्च भी मैंने गलत ही लिखा है, हो सकता है मॉक टेस्ट पेपर कब आए, अप्रैल में या मई में, आपका एग्जाम जून में है तो एग्जाम से 1-2 महीना पहले ही रिलीज करती है मॉक टेस्ट पेपर को। ऐसे मान के चलो, मेरे हिसाब से ना सही रहेगा ये मान के चलो कि स्टडी मटेरियल जो आपके लिए आएगा वो जनवरी 22 में, वर्कबुक जो आपके लिए आएगा वो मार्च 22 में, और जो मॉक टेस्ट पेपर आएगा
वो अप्रैल एंड 2022 में किसके लिए, इमीडिएटली जून एग्जाम नहीं है तो, जून एग्जाम नहीं, और जून के लिए जो अवेलेबल है वही सेम टू सेम दिसंबर के लिए एप्लीकेबल होती है। इंस्टीट्यूट फ्रेश मटेरियल लेके नहीं आती, यही मटेरियल जो आएगा जनवरी 22 में वो जून के लिए काम करेगा, यही मटेरियल दिसंबर के लिए काम करेगा। हमारी भी तो बुक सेम है, हमारा कोर्स क्लास सेम है ना, जून दिसंबर हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो जून और दिसंबर एग्जाम्स के लिए सेम है, कोई चेंज नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं है, है ना। चलिए सर लिखिए इसको फटाफट, डन। वीडियो रोक के लिख चुके हैं, अब आइए इसमें। रेगुलर स्टडी करने के लिए हम मेन स्टडी मटेरियल को टाइम टू टाइम रेफर करेंगे जरूरत पड़ी तो, लेकिन वर्कबुक, मॉक टेस्ट या पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आप कब रेफर करेंगे, अगर सेल्फ करना चाहते हैं तो कोर्स कंप्लीट के बाद एज अ रिवीजन प्लान स्टडी, एज अ प्लान, एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन प्लान। बी पॉजिटिव फॉर योर कोर्स और फॉर योर इंस्टीट्यूट, तभी आप एक सफल सीएमए बनेंगे, एक सक्सेसफुल सीएमए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन फिर मैं आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब तक आप अपने इस कोर्स और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में पॉजिटिव नहीं बनेंगे, तब तक आप इस कोर्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक सक्सेसफुल सीएमए बनना है, और अगर आप नेगेटिव हैं और हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो इस कोर्स को छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा सीए कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, या तो पॉजिटिव हो जाइए या इस कोर्स को छोड़ दीजिए। फैक्ट तो मैंने आपको दे दिया ना कि इंस्टीट्यूट का जून में एग्जाम है और जनवरी में स्टडी मॉड्यूल आएगा। मैं नहीं कह रहा कि नेगेटिव हो जाइए, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। मैं देखो, इंस्टीट्यूट इतना लेट से जो स्टडी मटेरियल दे रहा है वो गलत है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि आप नेगेटिव हो जाओ, नहीं। आप अपना एक माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना, और इंस्टीट्यूट की किताब की जरूरत क्या है जब आप हमारे से पढ़ रहे हो, हम अपनी किताब दे रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम कहां वेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की किताब का और इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज का। बट सीएमए कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को भी तो देखना पड़ेगा, है ना। चलिए नोट कीजिए, ज्यादा पुराने क्वेश्चन पेपर में नहीं जाना है। जून दिसंबर 17, जून दिसंबर 18, जून दिसंबर 19 ये एग्जाम फिजिकल हुए थे, सेंटर बेस्ड, ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन नहीं था। जून और दिसंबर 2020 का एग्जाम जनवरी 21 में हुआ था ऑनलाइन, जिसका सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किया है, मना कर दिया इंस्टीट्यूट ने कि हम नहीं देंगे क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम्स था। डन, कंप्लीट, लिख चुके इतना सारा, आइए अब आगे। सर जनवरी का ही पैटर्न डिस्कस कर दो। नहीं कर पाऊंगा बेटा, इंस्टीट्यूट ने जनवरी के एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है दिसंबर 21 के लिए। बोला सर जून 21, जून 21 में एग्जाम हुआ ही नहीं, जून 21 में इंटर और फाइनल का एग्जाम हुआ ही नहीं, जून वाला ही मर्ज हुआ है किसमें, दिसंबर में, ऐसे समझो। जो फर्स्ट ईयर कोरोना का था, जून 20 और दिसंबर 20, ये एग्जाम मर्ज हो गया, और हुआ कब जाके, 2021 में, ड्यू टू फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, ठीक। और इंस्टीट्यूट की गलती के कारण, इंस्टीट्यूट की गलती के कारण ये वाला एग्जाम नहीं हुआ, ये वाला एग्जाम अब जाके किसमें मर्ज हुआ है, दिसंबर 2021 में। सेकेंड वेव नहीं कहेंगे इसको, ये इंस्टीट्यूट की गलती के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि सीए और सीएस दोनों के एग्जाम हुए हैं मई और जून वाले। सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट, चूंकि इसको ऑनलाइन एग्जाम लेना था और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका रेडी नहीं था, समझ गए, तो इन्होंने क्या किया, जून के एग्जाम को जुलाई अगस्त अक्टूबर करते करते दिसंबर में जाके मर्ज कर दिया। अब दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा, तो अभी तक तो 100% यही है कि होगा, आगे देखते हैं, ये सिचुएशन है, ठीक। तो इसको भी थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री को थोड़ा सा तो नोट कर लीजिए, अपने इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जनवरी का पैटर्न इंस्टीट्यूट ने दिसंबर एग्जाम के लिए चेंज कर दिया है, जून में एग्जाम हुआ ही नहीं, जून वाला ही एग्जाम दिसंबर में मर्ज हो रखा है, इंटर फाइनल, इंटर फाइनल फाउंडेशन के बीच बीच में इन्होंने लिए हैं ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम्स, फाउंडेशन ये सक्सेसफुली ले रहे हैं, इंटर फाइनल में प्रॉब्लम है। और ये एक हिस्ट्री है 2020 की, कि 2020 का जून का एग्जाम नहीं हुआ, दिसंबर वाला एग्जाम दोनों आपस में मर्ज के फाइनली कब हुए, जनवरी 21 में, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड के कारण, वो कोविड वेव था। और अब जो इंस्टीट्यूट इस साल नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूट रॉन्ग पॉलिसी,
लेट डिसीजन और मैनी थिंग्स, वी कैन नॉट स्टे नेगेटिव नाउ, बहुत रीजनों के कारण ये इस बार एग्जाम नहीं हो पाया, सीए एंड सीएस के हो गए। मेन रीजन था कि हमारी इंस्टीट्यूट यानी सीएमए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहती थी, सेंटर बेस्ड नहीं, फिजिकल वाले पुराने तरीके से कन्वेंशनल वाले, इसीलिए वो एग्जाम फाइनली कैंसिल और मर्ज हो गया किसके साथ, दिसंबर 21 के साथ। आइए तो सर आप हमारे साथ एग्जाम का पैटर्न कब डिस्कस करोगे? मैं आपके साथ जो आपका एग्जाम का पैटर्न है कौन सा, जून या दिसंबर 2022 वाला जो कि होना ऑनलाइन है, मैं आपके साथ कब डिस्कस करूंगा? आफ्टर दिसंबर 2021 एग्जाम। एक बार ये एग्जाम हो जाए, बच्चों का फीडबैक आ जाए, तो मैं एक वीडियो बना के उस पैटर्न को डिस्कस कर दूंगा कि भाई ये एग्जाम्स के पैटर्न हैं, और आपको लाइव क्लास में दिखा दूंगा इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट पेपर हैं, मॉक टेस्ट पेपर पैटर्न का जो इंस्टीट्यूट का पीडीएफ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई ये इंस्टीट्यूट का पीडीएफ का पैटर्न था, इस तरीके से एग्जाम हुआ। अभी तो एक्सपेक्टेड है ऊपर ऊपर डिस्कशन, ऐसा एग्जाम होगा वैसा एग्जाम होगा, अभी तो मार्केट में काफी सारे र्यूमर्स भी चल रहे हैं, तो अभी डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है, अभी पढ़ाई करनी है। मैं आपसे आपके एग्जाम का पैटर्न ठीक दिसंबर एग्जाम के बाद विद इन वन मंथ मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो एक आप मैसेज मुझे कर दीजिएगा, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा फरवरी 2022 में, सर आपने बोला था फरवरी 2022 में, ठीक है, या उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर आपने बोला था कि आप दिसंबर 21 के एग्जाम्स का पैटर्न डिस्कस करोगे, अब कर लो, हमारा एग्जाम 3-4 महीने के बाद आने वाला है, अभी मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम हो जाने दो, बच्चों से बात मेरी हो जाने दो, फीडबैक आते ही मैं एग्जाम का पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इसको भी नोट करो, अच्छे से नोट करो, हम एग्जाम का पैटर्न अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मोटा मोटी जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोटा मोटी जो एग्जाम्स का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड थोड़ा बहुत थ्योरी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, थोड़ा बहुत मतलब 16 से 20 मार्क्स का, उससे ज्यादा नहीं, 16 से 20 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का पैटर्न है। मार्क्स वेटेज वगैरह सब, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल अराउंड 130-140 मार्क्स के बीच में होता है, 130 से 140 मार्क्स तक के बीच का पेपर होता है, बट उसमें कितना एमसीक्यूज था, कितना प्रैक्टिकल था, कितना थ्योरेटिकल था, कहां कहां बच्चों को ऑप्शन मिले, कितना मैक्सिमम वेटेज था, क्वेश्चन के पार्ट्स थे, ऑनलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन एक होता है से 10 मार्क्स का, तो उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के, तो वो सब मैं एग्जाम के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी कंफ्यूजन है, अभी इंस्टीट्यूट बदल रही है हमेशा क्वेश्चन के पैटर्न को, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, अभी इंस्टीट्यूट सर्टन खुद भी नहीं है, बच्चे भी डिलेमा में हैं, हम फैकल्टी भी डिलेमा में हैं, और इंस्टीट्यूट ने भी कुछ सर्टन नहीं बताया है, वो बोलती है वैसा ही पैटर्न रहेगा, 15 दिन के बाद फिर चेंज कर देती है, हम ऐसा करेंगे 10 दिन के बाद फिर चेंज कर देती है, हम ऐसा करने वाले हैं 2 दिन के बाद फिर चेंज कर देती है, तो अभी कुछ डिस्कशन करके फायदा नहीं है, जस्ट प्लेन पढ़ाई करके अपना सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ठीक, वक्त आने पर ये सब चीजें आपको डिलीवर की जाएंगी। अननेसेसरी अगर अभी डिस्कस करें और एग्जाम में कुछ और हुआ तो कंफ्यूजन होगी कि सर ने क्लास में कुछ और बोला था और हुआ कुछ और, तो अभी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं, और मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, उस र्यूमर्स को इग्नोर करो, आप एग्जामनी हो 2022 के, मार्केट में जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसमें कुछ मत जाओ, खाली एक बात ध्यान रखना, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही रहेगा, ये मैं 100% इंस्टीट्यूट के साथ हूं यहां पे कि इंस्टीट्यूट ऑनलाइन लेगी तो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ही लेगी। हाँ, ऑनलाइन एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट थोड़ा इंप्रूवमेंट लाए अपने पैटर्न को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ये रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहेगी, मेरी इंस्टीट्यूट के साथ कभी भी रिक्वेस्ट नहीं रहेगी कि आप पुराने मेथड में जाओ ऑफलाइन में, जैसे अभी सीए और सीएस वाले ले रहे हैं, या सीएम इंस्टीट्यूट पहले लेती थी 2019 में, 2018 में, 2017 में,
आई एम हैप्पी विद दिस पैटर्न, ऑनलाइन पैटर्न, बट हां इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न और थोड़ा एडवांस में बच्चों को तरीके बताना, क्वेश्चंस के सैंपल्स, ये सब थोड़ा बढ़ाए इंस्टीट्यूट। स्टडी मैट, कोई बुकलेट रिलीज करे सैंपल पेपर की, ये सब करना चाहिए इंस्टीट्यूट को। 2000 एमसीक्यूज का कोई बुकलेट लॉन्च कर दे, 500-600 क्वेश्चंस की कोई बुक लॉन्च कर दे ऑनलाइन। ऑनलाइन जो एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट बुक्स, अपने स्टडी मटेरियल को थोड़ा इंप्रूव कर दे अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन एग्जाम्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा फिर एग्जाम देने का। फिर तो सर सीएमए जैसा कोई कोर्स ही नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से तो इंस्टीट्यूट ने बच्चों के साथ बहुत गलत कर रखा है, बहुत गलत कर रखा है। जो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहती है और इंस्टीट्यूट के जो मेटेरियल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैच नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है, लेकिन मैं ज्यादा नेगेटिव अभी आपको नहीं कहना चाहता, अननेसेसरी आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा स्टे पॉजिटिव अबाउट दिस कोर्स एंड अबाउट द इंस्टीट्यूट, अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए, इंस्टीट्यूट के लोगों जो इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव होना तो हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए इसको। अब ब्रेक लीजिए 5-10 मिनट का, है ना। मैं फिर अपने रिसोर्सेस के बारे में बताऊंगा कि सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लासेस में जब आप ज्वाइन किए हो, ज्वाइनिंग पर आपको वॉल्यूम 1 मिल गई या मिलने वाली होगी, कुरियर हो चुका है, तो हमारे पास वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और क्या क्या रिसोर्सेज हैं इनको मेकअप करने के लिए। आपको एग्जाम पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करनी है और फिर रिविजन स्ट्रैटेजी और फिर एग्जाम अच्छे से देना, इसमें सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लास आपके साथ कहां कहां जुड़ा हुआ है ध्यान रखना। फेस टू फेस क्लास, लाइव क्लास से अच्छा आउटपुट निकलेगा, खाली मेरी बातों को फॉलो करना। ठीक, आज से नहीं पढ़ा रहा हूं ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, 4 साल 2016 में कोरोना से बहुत पहले, मतलब अब तो 5-6 साल हो जाएंगे मेरी, 2014 सबसे पहली जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चों के पास गई थी 2014 में गई थी। 2014 में फेस टू फेस क्लास को हम लोग रिकॉर्ड करते थे और वो एज अ बैकअप दिखाते थे बच्चों को 2014 में। 2015 में उसी जो क्लास में पढ़ाते थे वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी उसी को बच्चे फिर कहां देखते थे, कंप्यूटर में। हाँ, जो ये पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव जो आप घर में देख रहे हो ये हमने लॉन्च की है 2018 लेके चलो, 2018 में हमने ये पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव की क्लास जो बच्चे घर में बैठे बैठे देख रहे हैं वो हमने लॉन्च की। कोरोना तो 2020 और 21 में आया ना। वीडियो रिकॉर्डिंग जो बच्चे हमारी देख रहे हैं वो 2014 से देख रहे हैं, 2014 में एज अ बैकअप देखते थे, 2015 में फिर एडमिशन ले लेके पैसे दे देके देखते थे कंप्यूटर में। साइबर कैफे की तरह मेरा वीडियो रूम बना हुआ था, फेसबुक में पुरानी फोटोज भी अवेलेबल होंगी 2014 की 15 की जो हम बच्चों को वहां पर बैठा के क्लास दिखाते थे, पुरानी वीडियोस। चलिए वीडियो को रोकिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मैं अपने रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लास में क्या क्या रिसोर्सेज के थ्रू हम क्लास को कंप्लीट करेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। फिर ऑब्वियस सी बात है टेक्निकल स्टडीज हो सकता आज ना हो तो अगली क्लास से जरूर हो जाएगी स्टार्ट, डोंट वरी। वीडियो रोकें, ब्रेक एंजॉय करें, 10 से 15 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है, वीडियो रोकें प्लीज। चलिए सर, आई होप आप लोगों ने ब्रेक अपना ले लिया वीडियो रोक के। वीडियो रोकने का यह मतलब नहीं है कि आधा घंटा रोक दो, अगले दिन देखना अब अगला पार्ट, ये नहीं करना है। शुरू में ही मैंने क्या बोला, मेरी वीडियो 2 घंटे की है तो आपके पास 2.5 आवर्स होने चाहिए, आधा घंटा एक्स्ट्रा, ताकि बीच में अपना एक छोटा मोटा ब्रेक ले सको और एक मेन ब्रेक ले सको, इतना ध्यान रखना। मेरी 3 घंटे का लेक्चर आपके पास है तो 3 घंटे एटलीस्ट होने चाहिए, ये कोई बहादुरी नहीं कि आपने 3 घंटे के लेक्चर को 1 घंटे में खत्म कर लिया। काफी सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि सर हमने आपके 3 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में ही खत्म कर लिया। कभी मत करना ये चीज, आगे नुकसान होगा। मैं शुरू में आपको ये बात बता दूं, इट इज अ रेगुलर बैच, डिटेल स्टडी, आराम से टाइम देके पढ़ें, अपने दूसरी चीजों पे टाइम कम करें, जो मस्ती मार रहे हैं, फ्रेंड्स सर्कल है आपका, सोशल मीडिया है, फ्री टाइम है उसको कम करें, स्लीपिंग टाइम आपके 9 घंटे 10 घंटे होंगे उसको कम करें, है ना। इफेक्टिव टाइम निकालें अपनी पढ़ाई का, इस तरीके से करें। ये कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती कि आपने 3 घंटे की वीडियो को 1 घंटे में ही देख लिया। ऐसे टीसी रिसोर्सेज,
आप जब हमारे से जुड़ते हो तो हमारे क्या रिसोर्सेज हैं? सर, YouTube पे आप जुड़िए, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप YouTube पे जाके क्लास देखिए, हमारे व्यूज बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, हमने देखी एक CMA इंटरमीडिएट की क्लास YouTube पे आई है। बेटा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास में, उसी में से कोई क्लास YouTube पे जाएगी, कुछ अलग से नहीं जाती, ठीक? ये ध्यान रखिएगा। और अलग से कोई क्लास मेरी YouTube पे जाएगी जो कि रेयर जाएगी, और मुझे लगेगा कि आप बच्चों को वो क्लास देखनी चाहिए, तो मैं आपके WhatsApp ग्रुप में बताऊंगा कि ये वाली क्लास मैंने YouTube पे डाली है, ये मैं आपके सिलेबस में आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं दूंगा, ये देखो जाके। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगी, जो आप जो पढ़ाई है पेपर 7, जो पढ़ाई है 100 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के लिए, वो सारी पढ़ाई और वो सारी क्लासेस आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मिलेगी। किसी भी क्लास के लिए मैं नहीं कहूंगा यूट्यूब पे जाके देखो, मेरे वहां व्यूज बढ़ाओ, मेरे वहां सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? यूट्यूब पे आप जुड़े रहो, और मैं तो कहता हूं कि यूट्यूब में आप जुड़े रहो, एग्जाम से 1-2 महीना पहले आप अनसब्सक्राइब कर देना या नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना। एग्जाम के जब मान लो 1-2 महीने बचे रहेंगे और आपको लगेगा कि सोशल मीडिया के डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो आप उस नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना या फॉलो करना बंद कर देना। तब तक अब जैसे मेरे से जुड़े हो, 3-4 महीने अपने कोर्स पढ़ोगे, क्लासेस कंप्लीट करोगे, तब तक यूट्यूब पे भी रहो, देखते रहो हमारी तरफ से क्या क्या यूट्यूब पे आ रहा है ना। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे आती है, सर CMA इंटर का आपने एक टॉपिक अपलोड किया है, वो यूट्यूब पे देखना है क्या? आपको पूछने की किसी से जरूरत नहीं है, ना टीम से ना मेरे से। जो भी चीज यूट्यूब पे जाएगी वो सारी बात आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। जिस सॉफ्टवेयर पे आप ये क्लास देख रहे हो, उसी सॉफ्टवेयर पे वो सारी क्लासेस देखोगे, उसी में से क्लासेस यूट्यूब पे जाती हैं, ठीक? टेलीग्राम चैनल, डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है CMA इंटर डायरेक्ट टेक्स का, जिसमें आप जुड़ चुके होंगे या जुड़ जाइए। वहां हम बहुत सारी बातें बच्चों को गाइड करते हैं जो हम क्लासेस में नहीं बोल पाते, नहीं बता पाते, काफी कुछ नया मिलेगा, तो यहां आपको एक्टिव रहना है। टेलीग्राम चैनल पे हम कभी कभी यूट्यूब चैनल के लिंक भी भेजते हैं, वो एक प्रमोशनल वीडियो होती है उन बच्चों के लिए जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होते बट हमें फॉलो करते हैं, हमें हमसे कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो क्या करता हूं मैं, जैसे आपको कुछ पढ़ाया, उसी में से थोड़ी क्लास मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं और उसके लिंक को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। तो वैसी क्लासेस को आप देखो नहीं देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू तो क्लास देख रहे हो। अदरवाइज काफी कुछ मैं गाइड करता रहता हूं, अपडेट करता रहता हूं, नोट्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, बैचेस के बारे में, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे रहो और एक्टिव भी रहो अपने एग्जाम तक। सर, यूट्यूब पे तो एग्जाम से 1-2 महीना पहले निकल जाना, टेलीग्राम पर तो एग्जाम तक एक्टिव रहना। अब सिंस यू आर अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, तो आपको हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है। सर, मुझे टेलीग्राम का लिंक कहां से मिलेगा? टीम 8527230445। सर, मुझे यूट्यूब का लिंक कहां से मिलेगा? सर्च कर लो यूट्यूब पे CA सूरज अग्रवाल -SATC यूट्यूब का लिंक, टीम से ले लो। व्हाट्सएप पे तो मैं किसी में भी नहीं हूं, टीम को मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप में वो 24 घंटे 48 घंटे में आपको ऐड कर देंगे। रिमाइंडर दे दो उनको, मेरे पास कंप्लेन मत करना। आइए SATC रिसोर्सेज मेन बुक। अच्छा, बेस्ट रिसोर्सेज है मेरी, जो अभी देखो यूट्यूब है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, उसके अलावा टीम, कभी भी कोई भी दिक्कत हो ये नंबर। सर, मेरी टीम आपको 2-3 नंबर से कांटेक्ट करेगी। हाँ भैया, प्रॉब्लम बताइए, आपको ये प्रॉब्लम थी, आपका मैसेज आ रखा था, हो सकता है आपको इसी नंबर से कॉल ना आए, दूसरे नंबर से आए, तीसरे नंबर से आए, बीच में कोई मैसेज आ जाए हमारी क्लासेस का, एडवर्टीजमेंट का, बैचेस का, हो सकता है आपको, लेकिन इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये आपका सबसे मैक्सिमम यूज होने वाले रिसोर्सेज हैं, मेरी टीम और टीम का ये मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे रिस्पांस ना मिले तो रिमाइंडर देना है, रिस्पांस ना मिले तो कॉल कर लेना है। सर, 48 घंटे हो गए कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, 48 घंटे हो गए, रिमाइंडर भी दे दिया सर, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास आ जाना।
और मेरे से भी कोई रिस्पॉन्स ना मिले आपको 24 घंटे 48 घंटे, तो जाना किसके पास से आपका एडमिशन किसी कोचिंग के थ्रू हुआ है, किसी वेंडर के थ्रू हुआ है, तो उनके पास चले जाना कि देखो ना आपने सूरज सर की क्लास दिलाई थी, सूरज सर की टीम और सूरज सर तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, फिर वो आपको अपडेट कर देंगे। पहले टीम, उसके बाद मैं, और उसके बाद वो वेंडर, अगर आपने किसी डायरेक्ट किसी के थ्रू एडमिशन लिया। और डायरेक्ट एडमिशन लिया तो टीम से तो इसी नंबर पे लिया है सर, इसी नंबर पे ही तो बात करके हम बच्चों से पैसे मंगवाते हैं, बैंक अकाउंट शेयर करते हैं, इनवॉइस शेयर करते हैं, सारी बातों के लिए तो इसी नंबर पे होती है। सूरज अग्रवाल टेक्स क्लास की सारी बातें इसी नंबर पे होती है। तो सर रिसोर्सेज, अब आइए पढ़ाई की बात। मेन बुक जिससे हम क्लास में पढ़ाई करेंगे, एक वॉल्यूम आपके लिए निकल चुका है, वॉल्यूम 1, दूसरा वॉल्यूम है वॉल्यूम 2। दो वॉल्यूम में क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये मेन दो वॉल्यूम है हमारी, ठीक। ये प्रिंट फॉर्म में आपको मिलेगी। उसके अलावा फिर आता है डीटी रिवीजन बुक, फिर आता है डीटी की प्रैक्टिस बुक, और फिर आता है डीटी का एमसीक्यू बुकलेट। अभी तक तो फिलहाल हम बच्चों को यही दे रहे हैं। सर रिवीजन बुक में क्या है, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, फटाफट रिवीजन करने के हिसाब से, एग्जाम्स ओरिएंटेड। प्रैक्टिस बुक में क्या है सर, क्वेश्चंस के सेट्स हैं। अभी तो फिलहाल हम 15-17 सेट्स दे रहे हैं बच्चों को, इसको आगे धीरे धीरे हमें 30 सेट्स तक ले जाना है, हो सकता है आपके एग्जाम तक हम 30 सेट्स पे आ जाएं। सर हार्ड कॉपी में ये सिर्फ ओनली पीडीएफ मिलती है, ओनली पीडीएफ, ये आपको हार्ड कॉपी में, ठीक है सर। वही चीज ये हमारे यहां से आपको कब मिलेगी, हमारे यहां से भी ये कब मिलेगी, मार्च 2022 में, और या फिर अप्रैल, सर मार्च नहीं लिखता हूं मैं, अप्रैल लिखता हूं। ये चीज आपको हमारे यहां से कब मिलेगी, अप्रैल 2022 में, ठीक। ये दोनों चीजें आपको हमारे यहां से कब मिलेगी, अप्रैल 2022 में, और ये चीज में तो एक वॉल्यूम आपको मिलेगा, ये वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 आपको दिसंबर 2021 तक हम डिस्पैच कर देंगे, अभी नवंबर चल रहा है, से आपका एडमिशन हमारे यहां जनवरी में होना है, तो आपको हमारी तरफ से दोनों ही बुक मिल गई होगी। से अभी तो देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं नवंबर में, लेकिन से आपने हमारे यहां जनवरी 2022 में एडमिशन लिया, तो आपको हमारे यहां से डिस्पैच में दोनों वॉल्यूम मिल गई होगी या मिल जाएगी, या हो सकता है अगली वॉल्यूम हम थोड़ा होल्ड करके दे दें आपको। बुक रेडी है तो जरूर मिलेगी, और एडमिशन के समय तो सिर्फ वॉल्यूम 1 अगर कुरियर हो रहा है तो आगे की बुक के भेजने की जिम्मेदारी हमारी रहती है, डरने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड थॉट मत लाना, पता नहीं आगे हमें वॉल्यूम 2 मिलेगी कि नहीं, आगे हमें रिवीजन बुक मिलेगी कि नहीं, आगे प्रैक्टिस बुक मिलेगी कि नहीं, ये सब लिख दिया है। हम कुरियर 2 बार करें या 3 बार करें, 4 बार करना पड़ जाए, ये सारी हार्ड कॉपी हम आपको देंगे। अगर आपका हार्ड कॉपी में एडमिशन हो रखा है विथ फ्री शिपिंग, आपने हमारे यहां क्या एडमिशन लिया, गूगल ड्राइव डाउनलोड लिंक विथ फ्री शिपिंग हार्ड बुक्स, तो आपको हार्ड बुक्स में मेन वॉल्यूम मिलेगा 2, डीटी रिवीजन बुक और डीटी प्रैक्टिस बुक। हम इसे मर्ज भी कर सकते हैं, एक ही बुक मोटी बना के भेज सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों कंटेंट रहेगा, डीटी रिवीजन बुक कम प्रैक्टिस बुक, एक मोटी बुक हम आपको यहां से भेज देंगे। ऑब्वियसली कोशिश करेंगे ये मार्च में भेजने की कोशिश करेंगे, अप्रैल में तो फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप हमारे टच में रहेंगे, हमारी टीम के टच में रहेंगे, एग्जाम आपका जून 22 है या दिसंबर 22 है, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। हो सकता है टीम ये कह दे कि भैया आपको 1 महीना लेट से मिलेगी क्योंकि आपका एग्जाम तो दिसंबर में है, पहले हम जून वाले को ये बुक दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। खर्चा हमारा है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि बुक अवेलेबल हो गई है, हम बताएंगे आपको, पैनिक में नहीं आना है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम बताएंगे कि ये बुक्स अवेलेबल हो गई है, हम डिस्पैच कर रहे हैं, ये बुक्स अवेलेबल हो गई है, हम डिस्पैच कर रहे हैं, ये हम बताएंगे, आपको पैनिक में नहीं आना है। तो अगर आप हमारी क्लासेस को फॉलो करके अपना कोर्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का पेपर 700 मार्क्स का, तो हमारी तरफ से जो हम क्लास आपको देंगे, लेक्चर्स देंगे, जो बुक्स देंगे जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ होमवर्क में जाएगा, वो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। उसके बाद आपको इस बुक से खुद प्रैक्टिस करनी है डीटी रिवीजन बुक,
आपको डीटी प्रैक्टिस बुक से खुद प्रैक्टिस करनी है, आपको डीटी एमसीक्यू बुकलेट से खुद प्रैक्टिस करनी है, उसमें हमारी क्लासेस आपके पास नहीं जाएंगी। ये सेल्फ स्टडी के लिए है, ये सेल्फ स्टडी है एट द टाइम ऑफ रिवीजन। आप जब रिवीजन करेंगे कोर्स कंप्लीट के बाद तो सेल्फ स्टडी का पार्ट होगा ये। इसमें कोई डाउट होगा तो मैं व्हाट्सएप में डाउट लूंगा, सर डीटी प्रैक्टिस सेट में एक सेट है जिसके अंदर एक क्वेश्चन में डाउट है, व्हाट्सएप में पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा, वीडियो इसकी नहीं आएगी। आप सोचेंगे एमसीक्यू बुकलेट की कोई वीडियो आएगी, प्रैक्टिस बुक की कोई वीडियो आएगी, रिवीजन बुक की कोई वीडियो आएगी, तो नहीं, वीडियो सिर्फ किसकी आएगी, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू। सर क्या वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू में हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर है? सफिशियंट है, इतने हैं कि आपको आगे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी क्लास के अंदर प्रैक्टिस होगी। वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू में सफिशियंट क्वेश्चन है, जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन है। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जहां पर दूसरे फैकल्टीज के यहाँ 5 क्वेश्चन है तो अपने यहाँ 20 क्वेश्चन है, इतना का फासला है। क्वेश्चन में प्रैक्टिकल अप्रोच में तो कोई कमी नहीं है डायरेक्ट टेक्स्ट में। हाँ आप थोड़ा सुनेंगे तो यही कि सूरज सर डिसिप्लिन्ड में रहते हैं, थोड़ा सूरज सर के साथ डिसिप्लिन्ड वे में बात करो, डिसिप्लिन्ड वे में डाउट पूछो, ये आप सुनेंगे तो सुनेंगे। बाकी सूरज सर की किताब में और सूरज सर की क्लास में कोई कमी आपको सुनने में नहीं मिलेगी। कमी मेरे में हो सकती है, मेरी किताब में नहीं, मेरी क्लास में नहीं, ये गारंटी मेरे से ले लो आपकी तैयारी के लिए। ठीक, तो ये रिसोर्सेज है जिससे हम आपकी तैयारी कराएंगे। वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू मेन बुक जिसके अंदर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर भी है और वो क्लास में डिस्कस होते हैं, वो दिखावे के नहीं है, वो सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर डिस्कस होंगे जो भी वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू में रहेंगे। होमवर्क में दिए जाएंगे तो उसका डाउट आपको व्हाट्सएप में दिया जाएगा। नीचे की 3 बुक में जो सबसे नीचे वाली एमसीक्यू बुकलेट है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी आपको व्हाट्सएप पे या ऐप के थ्रू, दोनों में से कुछ एक। लेकिन जो डीटी रिवीजन बुक है और डीटी प्रैक्टिस बुक है इसकी हार्ड कॉपी फ्री शिपिंग के साथ आपके पास जाएगी, अगर आपने एडमिशन हार्ड कॉपी वाला ले रखा है तो। कुरियर हम एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, हमारे पे छोड़ दो, बुक आप तक पहुंचेगी। नोट करो इसको। फिर अब हम बुक दिखाते हैं। ये नंबर आपके बहुत काम आएगा, इस नंबर को प्लीज नोट करके रखिए और इसी नंबर पे अप्रोच कीजिए। मुझे भी शिकायत करनी है तो इसी नंबर पे कीजिए, मेरे पर्सनल नंबर को डाउट्स एंड टास्क कंप्लीट करने के लिए रखिए। चलिए सर, होप आपने वीडियो रोक के इसमें से लिख लिया है जो भी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखने वाली हैं, और कोशिश कीजिए लिखने की आदत डालिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। सर यही सब चीजें 15 दिन के बाद आप मेरी टीम से पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, ठीक है, तो इसलिए लिखना है आपको। ये नहीं कि कैजुअल डिस्कशन है इसको मैं क्यों लिखूं। जो भी चीज ये इनिशियली आपको बताई जा रही है यही सब आपके फ्यूचर में क्या होंगे सवाल, टीम से पूछेंगे, टीम जवाब नहीं दे पाएगी, मेरे से पूछेंगे, मैं तुम्हें बोलूंगा भैया क्लास के अंदर तो सब बता रखा है फिर क्यों पूछ रहे हो। तो इसलिए ध्यान रखना, क्लास में जो भी चीज बताई जा रही है, जो भी चीज लिखाई जा रही है, जो भी चीज समझाई जा रही है, जो भी डेडलाइन दिए जा रहे हैं उसको नोट करके रखना, ताकि आप अननेसेसरी टीम को परेशान ना करो और कहीं गलती से मेरे पास इन सब डिस्कशन के लिए ना आ जाओ, क्योंकि फिर मैं जवाब नहीं दूंगा, है ना। थोड़ा डिसिप्लिन मुझे चाहिए, जो चीज मैं क्लास में बताऊं उस चीज को मेरे से ना पूछना, है ना। सर एक टीचर है उनसे जो भी पूछो बता देते हैं, तो भैया डीटी की भी चीज उन्हीं से पूछ लो फिर, मेरे को इन्वॉल्व मत करो, कंपेयर मत करो। कोई एक टीचर है जो फोन पे डाउट ले रहे हैं, कोई एक टीचर है जो तुमको कॉल करके तुम्हारा डाउट ले रहे हैं, कोई एक टीचर है जो रात के 2 बजे भी तुम्हारा फोन उठा ले रहे हैं। सर वो टीचर तो खुद ही सॉफ्टवेयर का इशू सॉल्व कर देते हैं, आप नहीं करोगे, ऐसे कंपेयर मत करो। हमने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के थ्रू चलो, हर प्रॉब्लम की एक ही दवा है, वो नंबर जो मैंने आपको लिख के दिया है, बस जो मेरा नंबर मिला है उसका
यूटिलाइजेशन रेयर कीजिए, पर्पस टास्क कंप्लीट करना और डाउट डिस्कस करना, ये ध्यान रखिएगा। सर अब आइए बुक पे, लिख तो चुके हैं आप, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार इंस्टीट्यूट का ये वर्कबुक दिखा दूं, पुराना वाला, आपके लिए पुराना वाला वर्कबुक है, मात्र 186 पेज का है सर, ग्रुप वन पेपर सेवन वर्कबुक लिखा हुआ है, सिलेबस 2016 पेपर सेवन। देखिए ये वर्कबुक कब का, फिफ्थ एडिशन अप्रैल 2021। ऐसी कोई वर्कबुक अगर आपके पास है तो वो पुरानी वर्कबुक है, नया एडिशन आएगा सिक्स्थ एडिशन 2022 लिखा हुआ, उसको आप अपने एग्जाम्स के लिए बनाएंगे, उसी का वेट करेंगे, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बुक्स तब तक सफिशियंट है, हमारी क्लास हमारी बुक्स। और एक बात है पहचानने की, इसके अंदर असेसमेंट ईयर 21-22 लिखा होगा, AY 21-22 कहीं ना कहीं आगे, ये पुरानी बुक है आपके काम की नहीं है, ये पुरानी बुक है आपके काम की नहीं है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, असेसमेंट ईयर 21-22, आपका सिलेबस जो है, आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 22-23 है। सर व्हाट इज असेसमेंट ईयर, ये हम आने वाली क्लास में आपको बताएंगे, व्हाट इज प्रीवियस ईयर ये हम आपको बताएंगे, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी पहचानो। अगर कोई भी सवाल आप देखते हैं, आपके पास कोई भी बुक हो, आपके दोस्त के पास कोई भी बुक हो, आप कहीं से कोई डायरेक्ट टैक्स की बुक उठाते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन कौन सा असेसमेंट ईयर 21-22 20-21 19-20, वो सब पुरानी है, आपको वो रेफर नहीं करनी है। आपके लिए जो सिलेबस है वो क्या है, असेसमेंट ईयर 22-23 2022-23। अब जैसे पेज नंबर कौन सा है, 17, तो वर्कबुक के पेज नंबर 17 पे आए तो यहां दिखा असेसमेंट ईयर 21-22, तो ये पुरानी बुक है। ऐसी ही कोई नई बुक इंस्टीट्यूट की आएगी, ट्रैक आप भी रखना, मैं भी रखूंगा, आई मुझे पता लगा तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें पता चला तो तुम मुझे जरूर बताना, पर्सनल मैसेज कर देना कि सर नई वर्कबुक आ गई है 2022 वाली, ये लो, तुम मुझे पीडीएफ भेज देना, तुम भेजोगे मुझे, मैं सबको भेज दूंगा, है ना। अगर तुम्हें पता चले तो तुम मुझे बता देना, सर यहां पर्सनल मैसेज कर सो ना, क्या दे, ये तो अच्छी बात है ना, तुम मुझे बताओ कि हाँ सर इंस्टीट्यूट के नया स्टडी मैट आया है, भेज दो पीडीएफ, नई वर्कबुक आई है भेज दो पीडीएफ, क्या दिक्कत है, और मैंने बता दिया है तो बहुत अच्छी बात, फिर मत भेजो, पहले जाके टेलीग्राम चैनल पे देख लेना कहीं मैंने ना बता दिया हो तुमसे पहले, है ना। चलो वर्कबुक को मैं बंद करता हूं, वर्कबुक में है क्या, तो एक तरह से पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसका कलेक्शन है इंस्टीट्यूट की तरफ से। वर्कबुक बनाने से क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले 4-5 साल में इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर वाइज। वर्कबुक को कब बनाएंगे सर, लिखा दिया है सिलेबस कंप्लीशन के बाद। वर्कबुक को कब रेफर करेंगे, सिलेबस कंप्लीशन के बाद। सर हम वर्कबुक कब बनाएं, जब मैं आपको आपका कोर्स कंप्लीट करके दे दूं तब बनाएं। कौन सा वर्कबुक, ये वाला या नया वाला, नया वाला। सर नया वाला इंस्टीट्यूट ना दे तो बना ले ये वाला, नहीं फिर हमारी बुक सफिशियंट है, ये इस वाले को मत बनाना, अननेसेसरी कंफ्यूज कर जाओगे, मैं बंद कर रहा हूं इस वर्कबुक को, पोर्टल पे अवेलेबल इंस्टीट्यूट के। ये है पेपर 7 सिलेबस 16 मेन बुक डायरेक्ट टेक्स की, CMA इंटरमीडिएट की पेपर 7 की। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रिवाइज्ड एडिशन जनवरी 21। आपके घर में ये बुक है, इंस्टीट्यूट ने दी है, हटा दीजिए, वो बुक आपके काम की नहीं है। बोला सर मैंने तो एडमिशन में इंस्टीट्यूट को बोला था मैं 2022 में एग्जाम दूंगा, अब वो तुम इंस्टीट्यूट से लड़ाई करो कि इंस्टीट्यूट ने तुम्हें ये पुरानी बुक क्यों दी है, तुम्हारा एग्जाम 2022 में है, तुमने 2021 में इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन ले लिया, इंस्टीट्यूट ने तुम्हें यह बुक भेज दी, ये बुक तुम्हारे काम की नहीं है, पुरानी बुक है। और पहचानना है, चलते हैं अंदर, वही किसी जगह पे असेसमेंट ईयर लिखा हुआ होगा, किसी जगह पे असेसमेंट ईयर लिखा होगा, ये देखिए असेसमेंट ईयर 21-22। आपका सिलेबस क्या है, असेसमेंट ईयर 22-23, ये ध्यान रखना। जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है ये उनका असेसमेंट ईयर है AY। पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 28 पे क्या लिखा हुआ, असेसमेंट ईयर 21-22, ये पुरानी बुक है, इसको बंद कर दो, हटा दो, पहचान लिए। तो इंस्टीट्यूट की दो बुक मैंने बंद कर दी। अब फ्यूचर में जब भी इंस्टीट्यूट का मेन स्टडी मटेरियल आएगा मैं क्लास में रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूंगा, क्लास के अंदर दिखा दूंगा कि ये मेन बुक आ गई है, वर्कबुक आ जाएगा मैं दिखा दूंगा, इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट पेपर लॉन्च करेगी मैं आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगा,
टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक, अब जो मैंने कहा हमारी तरफ से एमसीक्यू बुकलेट मिलती है, तो देखिए ये एमसीक्यू बुकलेट है पिछले 4-5 साल की, जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, हर तरह का पैटर्न जो इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। अराउंड 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का, अब तो इंस्टीट्यूट बोल रही हम 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे ऑनलाइन। तो इसमें पूरा कंपाइलेशन दिया हुआ है, ये देखिए 2021 वाले स्टूडेंट के लिए है, असेसमेंट ईयर 21-22, ऐसा ही आपके लिए भी आएगा अप्रैल 2022 में, उसके पहले शायद ना आए। कब आएगा ऐसी वाली बुकलेट, एमसीक्यू बुकलेट हमारे यहां से कब रिलीज होगी? अप्रैल 2022 में, तब पूछना सर अप्रैल चला गया किताब नहीं आई, टीम से कांटेक्ट कर लेना, टीम का यहां पे नंबर दे रखा है 8527230445। बोला सर ये वाली बुक मिल जाएगी? हाँ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, अगर आप ये वाली बुक लेना चाहते हैं अभी टीम से ले लीजिए, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टीम को कहिए, टीम को कहिए इसी नंबर पे कि भैया हमें पिछले बैच की सारे पीडीएफ भेज दो, वो आपको पीडीएफ दे देंगे या टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। क्या मांग सकते हो आप हमारी टीम से पिछले बैच का? हमारी टीम से आप पिछले बैच का मांग सकते हो डायरेक्ट टेक्स्ट का वॉल्यूम 1 18th एडिशन, पिछले बैच का आपको सब कुछ मिल सकता है फ्री, उसके कोई चार्ज नहीं है। नए बैच का नहीं मिलेगा, नए बैच का पीडीएफ एक्सेस, फ्री पीडीएफ नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी आपके घर आएगी, या हम ऐप लॉन्च करने वाले हैं, ऐप में ये पीडीएफ आप एक्सेस ले सकते हो, फ्री पीडीएफ नहीं देंगे। आप पिछले बैच से, पिछले बैच का हमारी टीम से या टेलीग्राम चैनल से वॉल्यूम 1 डाउनलोड कर सकते हो, वॉल्यूम 2 डाउनलोड कर सकते हो 18th एडिशन, ये रिवीजन बुक डाउनलोड कर सकते हो 18th एडिशन, ये प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज यही प्रैक्टिस सेट है। तो सर ये हमारी एमसीक्यू बुकलेट है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यू पूछता है जनरली, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उसका पैटर्न दिया हुआ है, ये देखो सारे पैटर्न इसके अंदर मिलेंगे इंस्टीट्यूट के। ये मैचिंग वाला पैटर्न पूछता है, ये ट्रू फॉल्स पूछता है इंस्टीट्यूट, ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, ये चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछता है, चार में से एक सही, ये सब का पैटर्न आपको मिलेगा इसके अंदर। अराउंड 400 से 500 एमसीक्यूज हैं हर एक चैप्टर का मिक्स। कब करना है? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ये एमसीक्यू बुकलेट हमारी तरफ से पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, प्रिंट आउट फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आएगा। और कब आएगा? अप्रैल 2022 से पहले नहीं आएगा। एक बार अप्रैल 2022 में हमारी टीम से इस नंबर पे टच में आ जाना कि सर वो एमसीक्यू बुकलेट चाहिए, जून 2022 में हमारा एग्जाम है, आपको टीम कुछ ना कुछ एक्सेस दे देगी, चाहे फ्री पीडीएफ दे दे या ऐप के थ्रू एक्सेस दे दे या चार्ज बता दे, आपको ऐप के थ्रू फ्री एक्सेस दे देंगे। आप तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो तो ऐप के थ्रू फ्री एक्सेस रहेगा, बाकी बाहरी वाले बच्चों के लिए हम कुछ चार्ज कर देंगे, आपके लिए फ्री रहेगा, हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे इन सब चीजों का, चूंकि आप हमारे क्या हो, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो। लेकिन ये हार्ड कॉपी में नहीं आएगी, इसको मैं बंद कर रहा हूं, ये पिछले बैच की है। ये है टेस्ट सीरीज मिक्स क्वेश्चन, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हम लोग इशू करते हैं। अभी तो इसमें 17 टेस्ट हैं, इसके अंदर एबीसीडी करके 17 हैं, ये देखिए 18। इस बार जो हमने बच्चों का एग्जाम है 2021 वाला, उसमें हमने 18 ये सीरीज दी है टेस्ट सीरीज। हर सीरीज में 8-10 क्वेश्चन है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के हर चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके अंदर है, और बच्चों को अटेम्प्ट करने में बड़ा मजा आता है, इसको बहुत मजा आता है, ठीक है। आपके एग्जाम में हम इसको 30 तक पहुंचाने वाले हैं, ये 18 है ना, हम आपके एग्जाम में इसको 30 तक पहुंचाने वाले हैं। और ये भी अगेन कब मिलेगी? अप्रैल 2022 मंथ में मिलेगी, और हार्ड कॉपी इसकी आपके घर आएगी। पिछले बैच की टेस्ट सीरीज, ये पिछले बैच की है 18th एडिशन 2021-22, ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, टीम से आप ले सकते हैं, देख लीजिएगा। तो ये टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस करने के लिए, सिलेबस खत्म होने के बाद, बंद करते हैं इसको। ये है रिविजन बुक, फास्ट ट्रैक रिविजन बुक, फास्ट हर चैप्टर में सर ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई, चैप्टर वाइज इसके अंदर समरी दी हुई है, और कुछ मिक्स क्वेश्चन दिए हुए बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अटेम्प्ट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। ये भी आप हमारी टीम से पिछले बैच की ले सकते हो, करंट बैच की आपके बैच की आएगी कब? अप्रैल 2022 में, उसके पहले नहीं आएगी। मैं फरवरी बोलूं गलती बोलूंगा सर, ये देखिए इसके अंदर भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको इंडेक्स दिखा दूं, हर चैप्टर का थ्योरी समरी है,
और इसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल के मास्टर क्वेश्चंस। इसमें भी काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस बुक में भी इंडिविजुअल के बड़े बड़े क्वेश्चंस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा अच्छे से, तो वो इसके अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं। बेटर होगा कि आप पिछले बैच की बुक टीम से मंगवा ले और देख ले, एनालाइज कर ले, या फिर आप अपना वो व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें तो शायद मैंने वो लिंक मैं शेयर करवा दूंगा अपनी टीम को बोल के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपको पर्सनली हमारी टीम क्या करेगी, व्हाट्सएप कर देगी पिछले बैच के सभी पीडीएफ्स का टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना, फ्री अवेलेबल है। पिछले बैच की पीडीएफ के कोई चार्ज नहीं है, फ्री अवेलेबल है। इसको भी बंद कर दूं, आज जिस दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस दिन तक वॉल्यूम 2 नहीं बनी है, तो ये पुरानी वॉल्यूम है 18th एडिशन, असेसमेंट ईयर 21-22। आपके जो घर आएगी, चूंकि आप नए बैच में रजिस्टर्ड हो, आपका 2022 में एग्जाम है, तो आपको कौन सी बुक आएगी, यहां पे लिखा होगा 19th एडिशन, यहां लिखा होगा असेसमेंट ईयर 22-23 वॉल्यूम 2। कंटेंट तो वैसे ही रहेगा, ये कुछ कंटेंट है इसके भाई, कंटेंट तो वही रहेंगे, ये कंटेंट है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये दो पेज का पीडीएफ मैं डलवा दूंगा, आपको ये इंडेक्स जो देख रहे हो ना आप, ये इंडेक्स आपको मेरी टीम भेज देगी, वॉल्यूम 2 का इंडेक्स दीजिए भैया। क्या मांगना मेरी टीम से मैसेज करके कि भैया वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 तो आप हमें भेज रहे हो, वॉल्यूम 2 का अभी तक तो बुक नहीं आई है, तो आप हमें इंडेक्स भेज दीजिए, ठीक है। ये दो पेज का इंडेक्स मैं टीम को दूंगा, आप टीम से मांग लेना। आप मेरी टीम को बोलना सूरज सर ने बोला है क्लास के अंदर पिछले बैच की वॉल्यूम्स, अच्छा ये पिछले बैच की पूरी वॉल्यूम ही भेज दो, तो इंडेक्स आप इसमें से खुद देख लेना, और नहीं तो ये दो पेज का इंडेक्स कौन कौन से चैप्टर वॉल्यूम 2 में है आपके पढ़ने के लिए, मिलाने के लिए, समझने के लिए। समझाऊंगा तो मैं ही, लेकिन एक बार होता है ना कि देख ले एक बार सर के वॉल्यूम 2 में कौन कौन सा टॉपिक है, पूरा कोर्स सर कंप्लीट कर रहा है कि नहीं सीएमए के अकॉर्डिंग। तो सर ये जो सामने टॉपिक देख रहे हैं ना, ये कोई भी सीए में नहीं है, ये जितने भी टॉपिक हैं एक बार देख लीजिए, ये कोई भी टॉपिक यहां से लेकर यहां तक सीए के सिलेबस में नहीं है। सीए इंटर, मैं सीए इंटर को भी पढ़ाता हूं और सीएमए इंटर को भी पढ़ाता हूं। आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट है और ये आपका वॉल्यूम है, सर ये कोई भी टॉपिक यहां से लेकर यहां तक सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं कहीं पे नोट कर लीजिए, चैप्टर 23, 24, 25, 26, 27, 28 इज एक्स्ट्रा इन सीएमए इंटर। सीएमए इंटर के सिलेबस में ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, सीए वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं। सीए वाले स्टूडेंट्स को जो हम लोग वॉल्यूम देते हैं, बुक्स देते हैं, नोट्स देते हैं, वो एएमटी तक ही पढ़ते हैं वो। उसके अलावा जैसे ये चैप्टर है आपका पीजीबीपी के अंदर, पीजीबीपी के अंदर 5-10 पेज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है सीएमए वाले स्टूडेंट को। जैसे ये पीजीबीपी है, ये 88 पेज का है ना, सीए वाले स्टूडेंट को 88 पेज के अंदर काफी कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, उनके पेजेस ब्लैंक हैं, उनके सिलेबस में नहीं है, उनको नहीं पढ़ना है, कुछ पेजेस उनके कम रहते हैं। तो गलती से आप मेरी सीए वाली बुक ना पढ़ें, आप सीएमए स्टूडेंट हैं, मेरी सीएमए वाली बुक पढ़ें, कवर पेज ऊपर सेम है लेकिन अंदर कंटेंट सीएमए का सीएमए के अकॉर्डिंग है, सीए का सीए के अकॉर्डिंग है। तो आप ना सोचना सीए इंटर में भी दो वॉल्यूम है, सीएमए इंटर में भी दो वॉल्यूम है, पता नहीं सर हमें हमारा वाला पढ़ाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जो सीएमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। मेरे बैच तो सीए के भी चलते हैं, सीएमए फाइनल भी चलता है, सीएमए इंटर आप पढ़ ही रहे हैं, तो क्या मैं सबको मिक्स कर दूं, खिचड़ी बना दूं? ऐसे नहीं होता, एक बार देख लीजिए आप। वैसे आपको ये बुक मिल जाएगी टीम से, ये इंडेक्स भी उस बुक में मिलेगा, बड़े आराम से आप मिला लेना। काफी सारे चैप्टर हैं, और देखो इस क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ रेफर कर रखा है रिवीजन बुक, और रिवीजन बुक हम आपको हार्ड कॉपी में देंगे ही, ठीक है। और ये मेन वॉल्यूम है वॉल्यूम 1, जो नया बुक है 19th एडिशन असेसमेंट ईयर 22-23 डायरेक्ट टेक्स्ट वॉल्यूम 1, ये नई बुक है, लेटेस्ट बुक, अमेंडेड बुक, जो आपको अपने सिलेबस के लिए पढ़नी है। ध्यान रखिएगा आपका सिलेबस किसी भी टीचर से पढ़ो, एवाई असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए 22-23, एवाई असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए 22-23। मार्केट में कोई भी बुक खरीदो, कोई भी बुक आपके पास घर में है, आपके दोस्त के पास है, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और आपके दोस्त के पास कोई बुक है, किसी सीनियर ने आपको डायरेक्ट टैक्सी कोई बुक दी कि ये बुक रख लो अच्छी बुक है,
आप किसी सीनियर से लेके आ गए, आपके पास मेरी बुक है, इंस्टीट्यूट की बुक है, किसी में भी यही लिखा होना चाहिए असेसमेंट ईयर 22-23। अगर इसके पहले के असेसमेंट ईयर 21-22-19-20 तो वो सब पुरानी है, सबको हटा दो, वो आपके काम की नहीं है। जो हमारी टीम भी बुक देगी वो यही वाला बुक देगी आपको, नहीं तो टीम से बात करो कि भैया आपने हमें पुरानी बुक क्यों दी, 18th एडिशन की बुक क्यों दी, आप टीम से बात करो, आपको टीम बताएगी, आपको टीम बताएगी, डोंट वरी। ठीक है सर, इसके इंडेक्स में आते हैं। देखिए यहां भी लिखा हुआ है, शुरू में ही यहां लिखा हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021। ठीक, यहां डेट भी लिखी हुई है, ये बुक डायरेक्ट टैक्स वॉल्यूम 1 19th एडिशन की है बुक, सीएमए इंटरमीडिएट जून दिसंबर के एग्जाम के लिए, असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंस एक्ट 21। यहां लिखा हुआ है, शुरू के ही 3-4 पेज के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं, थोड़े से रिजल्ट्स हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, है ना, थोड़े से रिजल्ट हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। सर ये है इसका इंडेक्स, इसमें ये सब चैप्टर पढ़ेंगे, कम है इसमें, वॉल्यूम 2 में ज्यादा है, मोटी दोनों सेम साइज है, इसके अंदर बड़े बड़े चैप्टर 2 हैं और काफी सारे सेट्स हैं और काफी सारे क्वेश्चंस हैं। वॉल्यूम 2 में ज्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन कुछ चैप्टर 2 पेज के हैं, कुछ 4 पेज के हैं, कुछ 8 पेज के हैं, इसीलिए ओवरऑल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का साइज सेम है, लेकिन वॉल्यूम 2 में चैप्टर ज्यादा है, वॉल्यूम 1 में चैप्टर कम है। ठीक, और जो आगे आपकी क्लासेस स्टार्ट जो चल रही है क्लासेस, ये इंट्रोडक्शन के बाद जो हम लोग टैक्स रेट की क्लास में जाएंगे तो उसमें ये दोनों चैप्टर एक साथ लिए जाएंगे आपको। ये जो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना आपका, इंट्रोडक्शन पार्ट है, आज पार्ट भी है, इसको इस 20 पेज से मिलाने की कोशिश ना करना। जो आपका टैक्स कॉम्प्यूटेशन क्लास 1 चालू होगा, क्लास 2 चालू होगा, वो जब क्लास खत्म होगी तो ये 20 पेज और ये 12 पेज दोनों मिला के आपके साथ आपका डिस्कशन कंप्लीट माना जाएगा। तो सपोज करो ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया और आप सोच रहे हैं सर ने तो ये 20 पेज डिस्कस ही नहीं किया, तो डोंट वरी, जब हम इस 12 पेज का क्लास लेंगे तो इस 12 पेज की क्लास के अंदर ही इस 20 पेज को साथ साथ दोनों चैप्टर में डिस्कस। सर ये जो 20 पेज है ना थ्योरी है, टोटली थ्योरी बोरिंग होती है, तो जब मैं ये 12 पेज पढ़ाऊंगा तो उसी बीच में वो 20 पेज को पढ़ा पढ़ा के निकालूंगा ताकि आप बोर ना हो पढ़ते पढ़ते, है ना। और अभी जो ये इंट्रोडक्शन चल रही है ये तो आप और हम एक दूसरे से फैमिलियर हो रहे हैं, मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और हम दोनों अपने इस जीटी पेपर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल रिसोर्सेज है, एक नजर इस पे मार लीजिए, बुक आप तक पहुंच जाएगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी का एक्सेस आपको अगले एक महीने के अंदर हमारी ऐप के थ्रू मिल जाएगा फ्री में, वहां कोई आपके लिए चार्ज नहीं रहेगा, आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। हाँ, ओपन फाइल हम इस बार से बच्चों को नहीं दे रहे हैं, इसकी ओपन फाइल जो हम पहले पूरी की पूरी बुक का पीडीएफ दे देते थे, बच्चे किसी भी दोस्त को भेज देते थे, खुद प्रिंट करा लेते थे, वो हम इस बार से नहीं दे रहे हैं। डिडक्शन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स रेट्स। सर ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बेटा ये चैप्टर क्यों है, किस लिए पढ़ते हैं, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, दो क्लास और दे दो मुझे तुम ये इंट्रोडक्शन वाली, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी में क्या पढ़ते हैं, डोंट वरी। मैं आपकी किताब से भी कनेक्ट करूंगा, जो स्टडी मैट है इंस्टीट्यूट का वो भी कनेक्ट करके दूंगा कि हम सारी बातें क्लास में कवर करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आप एकदम नए हैं, आप असेसमेंट ईयर नहीं जानते, प्रीवियस ईयर नहीं जानते, फाइनेंस एक्ट नहीं जानते, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में नहीं सुने, आपको नहीं पता ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है, आपको नहीं पता ये कैपिटल गेन क्या है, आपको इस पर इस डिडक्शन का पर्पस भी नहीं पता, ये सब आपको आने वाली दो क्लासेस में बताया जाएगा, आने वाली दो क्लासेस में बताया जाएगा। और ध्यान रखिएगा सीए का जो कोर्स है, ध्यान रखिएगा ये जो सीए के कोर्स से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है सीए और सीएमए के कोर्स सेम है, तो कैसे सेम हो सकते हैं, सीए का कोर्स 60 मार्क्स का है और सीएमए का कोर्स 100 मार्क्स का है, एक्स्ट्रा एक चैप्टर है कैपिटल गेन, उसके अंदर काफी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, एक चैप्टर है डिडक्शन, उसके अंदर कुछ सेक्शन एक्स्ट्रा है जो सीए वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक चैप्टर है पीजीबीपी,
सर ये तीन टॉपिक सीए वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ोगे, लेकिन इसके अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, अराउंड 20% सिलेबस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। उसके अलावा मैंने बताया वॉल्यूम टू में आखिरी के 5-6 चैप्टर वो सीए के सिलेबस में है ही नहीं। प्लस सीए के एग्जाम का पैटर्न अलग है, सीएमए के एग्जाम का पैटर्न अलग है, तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपको अपने एग्जाम्स, अपने सिलेबस, अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए, अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ना है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हमारा वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू बना हुआ है। तो ये कंपैरिजन करना ही गलत है, लिखना चाहो लिख लो एक्स्ट्रा में, तो फिर ये भी है वॉल्यूम टू के ये सारे चैप्टर्स। ये कोई भी चैप्टर आप किसी भी दोस्त से पूछ लो, सीए स्टूडेंट से पूछ लो, ये कोई भी चैप्टर सीए के सिलेबस में नहीं है। आप चाहो लिखना लिख लो। डन, वीडियो रोक के लिख चुके हैं आप। सर अब है कि ये चैप्टर क्या है, सर व्हाट इज डिडक्शन, व्हाट इज पीजीबीपी, व्हाट इज कैपिटल गेन। तो उसके लिए अगली 2-3 क्लास में आप मेरे साथ जुड़े रहो, सब आपको डिटेल्ड में पता चलेगा। आज की क्लास में अगेन कोई टेक्निकल चीज हमने नहीं पढ़ी, ठीक, हमने अपने कोर्स को और नजदीक से पहचाना कि सीएमए इंस्टीट्यूट पर अगर भरोसा करके पढ़ना है तो कैसे कैसे इंस्टीट्यूट हमें रिसोर्सेज देगी अपने 2022 के एग्जाम के लिए। शायद आप भरोसा नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट पे, तभी आप हमारे पास आए हैं। हम आपको जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बुक और वॉल्यूम रिलीज कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है, इसीलिए हम वो बुक्स आपको बाद में देंगे, जैसे कि रिविजन बुक, प्रैक्टिस सेट्स या एमसीक्यू बुकलेट। शुरू में देने का उसका कोई फायदा नहीं है। अभी हमारा और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी वॉल्यूम वन खत्म हो, जल्दी जल्दी वॉल्यूम टू खत्म हो, ठीक है। और 4-4.5 महीने का टाइम हमने आपसे मांगा है कि हम आपका 4-4.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके दे देंगे। अभी शुरू में 1 महीना अराउंड 15-20 दिसंबर तक क्लास थोड़ी थोड़ी स्पीड कम रहेगा क्लास शेयरिंग करने का, 1 सप्ताह में 3-4 क्लास तो आपको मिलेगी। 15-20 दिसंबर के बाद आपको डेली एक एक क्लास मिलती रहेगी, डेली एक एक क्लास मिलती रहेगी, और हमारा सिलेबस कहीं ना कहीं जो टाइम टेबल आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। सर अगेन आई एम सेइंग रिकॉर्डेड वीडियो लास्ट जाते जाते मैंने शायद पिछली क्लास में भी बताया था, रिकॉर्डेड वीडियो हार्मफुल कब होता है, जब हम आपको 1-2 साल पुरानी क्लासेस दे, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो हार्मफुल कब होता है, जब फैकल्टी डाउट के लिए अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं है, आई एम अवेलेबल फॉर यू। सर आपके एग्जाम तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आपने हमारे एडमिशन लिया, आपने एग्जाम का टर्म क्या बताया, जून 22 तक मैं आपके साथ हूं, आपने दिसंबर 22 बताया, दिसंबर 22 तक मैं आपके साथ हूं, और बताओ 1-to-1 डायरेक्ट आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल रहा है जिसमें आप मेरे साथ टच में हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो खराब नहीं है, खराब कब होती है, जब आप पुराना, मैं आपको 1 साल पुराना लेक्चर दे दूं, नहीं होगा ऐसा, है ही नहीं ऐसा, अगर देना होता तो पहले ना दे देता। मैं आपको पुरानी किताब भेज दूं, मैं आपका डाउट ना लूं, टीम आपको रिस्पॉन्ड ना करे 24 घंटे, 48 घंटे, 5 दिन हो गया आपका इशू ही रिजोल्व नहीं हो रहा है, उन सब सिचुएशन में रिकॉर्डेड क्लास खराब है। लेकिन हमारा ऐसा कोई ट्रैक नहीं है कि हमारे यहां 5-5 दिन तक आपके डाउट नहीं लिए जाते हैं, 5-5 दिन तक टीम आपका इशू रिजोल्व नहीं करती है, ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं। हाँ बीच में कुछ फेस्टिवल सीजन चल रहे थे, टीम छुट्टी पे थी, तो वो थोड़ा हमारी सर्विस में क्या हो गया, डिले हो गया। अभी बीच में कुछ कुछ बच्चों को हम 24 घंटे 48 घंटे में नहीं रिवर्ट कर पाए, क्योंकि एक तो छुट्टियां चल रही थी दिवाली को लेके, और उसके अलावा फिर है ना टीम हमारी 5-6 दिन की छुट्टी पे चली गई, जो मेरी टीम में मेन मैनेजर है वो, तो हम सर्विस अच्छे से अभी पीछे 10-15 दिन में हम अच्छे से सर्विस ना दे पाए, और इसलिए भी थोड़ा क्लास हमने लेट से स्टार्ट की, लेकिन अब आगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऐसा सर फेस टू फेस क्लास और जो लाइव क्लास है उसमें जो एक फिक्स शेड्यूल होता है वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, फिक्स शेड्यूल फॉलो करो, वही मजा मिलेगा। आप MWF TTS का एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करो और उसी शेड्यूल में क्लास को देखो। डाउट के लिए आप मुझे, मेरे टास्क में आपको दूंगा, आप टास्क का रिप्लाई करो, मैं आपको, आपको डाउट है आप डाउट मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। टीम डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रही है, टीम अगर काम नहीं करती है तो फिर मुझे रिमाइंडर दे सकते हो, तो ये सब फैसिलिटीज तो आपको मिल ही रही है ना, ठीक है। तो
सर आज का मोटा मोटी डिस्कशन था कि मेरी किताब और इंस्टीट्यूट की किताब के बारे में मैं आपको, आज का जो मोटा मोटी डिस्कशन था वो ये था कि मैं अपने बारे, अपनी किताब के बारे में और अपनी टीम के बारे में आपको बता दूं, ठीक है? और कल से फिर हम इन सब चैप्टर का और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। इंस्टीट्यूट के चैप्टर भी मैं सामने में लेके आऊंगा, सर क्या है एएमटी, क्या है टीडीएस, क्या है एडवांस टैक्स, क्या है कैपिटल गेन, क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सारी बातें अगली 2-3 क्लास में आपके साथ होने वाली है। और देख लीजिए, सबके साथ काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सेट्स हैं, देख रहे हैं? एक सेट नहीं है, दो दो सेट हैं सर, दो दो सेट्स हैं हर चैप्टर में, कहीं कहीं तो तीन भी मिलेंगे आपको, कहीं कहीं तो तीन भी मिलेंगे। जैसे आगे चलते हैं क्लबिंग चैप्टर में तो तीन तीन सेट हैं, ये देखिए सेट ए, सेट बी, सेट सी, छोटे से छोटे चैप्टर में भी दो सेट आपको मिलेंगे, दो सेट, तीन सेट, एक सेट के अंदर 20-20, 50-50 क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दो वॉल्यूम है इसके अंदर खाली थ्योरी है, इसके अंदर हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन भी हैं, जो क्लास में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, क्लास में सॉल्व भी होंगे, आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, है ना? तो अब इससे ज्यादा यहां पर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। अगली क्लास से टेक्निकल कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगी, मतलब आप अब अगली क्लास से ये जो जनरल बातें हैं ये कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको 2 क्लास में काफी कुछ मैं बता चुका हूं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब के बारे में अब बातें नहीं होगी, टीम के बारे में, मेरे पर्सनल नंबर के बारे में अब बातें नहीं होंगी, मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं जनरल इन कॉमन। अगली क्लास से कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज कि सर डीटी की क्लास में कुछ नया सीखा, वो अब अगली क्लास से आपको मेरे साथ स्टार्ट कर लेना है। और ये जितने भी चैप्टर्स हैं उसका आपस में कनेक्शन आपको दिया जाएगा, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगली क्लास का। बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास को मैंने छोटा रखा है, छोटा तो क्या, 2 घंटे तक की क्लास मुझे आपको देनी है हमेशा, लेकिन शुरू में आपको ये 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा ऐसे क्लासेस मिलेंगी। धीरे धीरे आपको क्लासेस 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की मिलेगी। शुरू में चूंकि अभी इनिशियल स्टेज है, क्लास 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, ऐसी छोटी छोटी क्लासेस मिलेगी, बट डोंट वरी, धीरे धीरे क्लास का जो लेंथ है वो बढ़ेगा। और प्लीज अगेन, कोई भी दिक्कत हो क्लास से रिलेटेड, टीम को इन्वॉल्व कीजिए, टीम से व्हाट्सएप चैट के थ्रू बात कीजिए, व्हाट्सएप चैट में न रिस्पॉन्स मिले तो फिर नॉर्मल कॉल पे बात कीजिए, लेकिन नंबर यही रखिए बात करने के लिए, और किसी नंबर पे कोई बात मत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।